Bhagavatam Swarupam Jain Prabhajantam Anupesam Apesa Kritam Dvaipayana Virahata Tarayajubhava Putreti Tanmayataya Tarvohunidum Stam Sarvabhota Hridayam Munimana Tasmi Narayanam Namaskritta Narancaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirave Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadhi Gaur Bhakta Vrinda Savigarhat Bhagavad Bula Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bula Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sarvapratham मेरे गुरुपाद पद्म नाथ महाराज गुरुपाद पद्म मित्रिला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्रेष्ठी मात भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत गति साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मित्रिला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्रेष्ठी मात भक्ति योदान श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे इंद्र पूजा को बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने परिक्रमा लगवाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जयकार ठीक से नहीं बोले जोर से बोला। बोले श्री गिरिराज बाबा की। इंद्र ने देखा हर साल के ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे लेकिन इस बार तो मेरी कोई पूजा की कोई नाम गंध कर भी नहीं। एक दूत को भेज करके बोले देखो तो क्या कर रहे हैं ब्रजवासी। तो दूत ने देखा इंद्र के लिए जो लड्डू कचौड़ी मालपुआ बनाया था वो तो सबके सब लेकर श्री गिरिराज की पूजा कर रहे हैं। इंद्र को पता चलते ही कृष्ण को तो गाली देने लग गया। बोले ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रखूंगा इसका मैं ध्वंस कर दूंगा। संवर्तक ने अंचा पवन को बुलाया। बोले ऐसे मूसलाधारा से बारिश करो जैसे ब्रज नाम का कोई गाँव नहीं रह जाए। मानव ब्रज में प्रलय आ गई। जितने ब्रजवासी सबके सब कृष्ण पास में गए। बोले देख कृष्ण तुमने इंद्र पूजा बंद करवाया कि इंद्र क्या नखट कर रहा है। बोले कोई चिंता मत करो हम सबके सब श्री गिरिराज की पूजा करिए। गिरिराज हमें अपना चरण में शरण देगी। चलो सारे सामान को लेकर के चलो। जैसे एक छोटा बच्चा एक छतरी को धारण कर लेता है ऐसे ही कृष्ण उन्होंने कनिष्ठ अंगुल पर श्री गिरिराज बिठा लिया। बोले श्री गिरिराज बाबा की। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो सबके सब गिरिराज की नीचे आ गया। मैया जसोदा कन्या को बारंबार वचन खिला रही थी लाला को भूख नहीं लग जाए हाथ को मालिश कर रही थी दर्द नहीं हो जाए। इंद्र सात दिन तक जी जान लगा करके जैसे हाथी की सूर जैसे मुसलधारा से बारी वज्रपात ओले गिराए। सात दिन के बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा देख करके आप ब्रज में क्या हो रहा है। एक दूत केवल ऊपर ऊपर से देख करके चला गया। बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं सब के सब पता। और एक दूत के बोले तू देख कर क्या वो तो ऊपर ऊपर से देख कर गया था। उसने नीचे आकर के देखा ब्रज में एक चिट्ठी तक भी न रही। वहां पर तो धूल उड़ रहा है आनंद ले रहे कीर्तन कर रहे सबके सब। उसने जब वापस गया
बोले ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं, बोले ब्रज का सत्यानाश क्या तेरा ही सत्यानाश हो गया, बोले मतलब क्या, बोले जिसको तू साधारण बालक समझ रहा था वो बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल के नख को भरने श्री गिरिराज को धारण करके रखा। ब्रजवासी वहाँ आनंद ले रहे हैं, होली हो रहा है, सबके सब कीर्तन कर रहे हैं, आनंद में सबके सब मस्त है। इंद्र ने देखा भैया ये कौन है, ध्यान दे करके देखा कृष्ण साधारण नहीं, जिसने कृपा करके इनको श्री बलि महाराज से इंद्र पद को लेकर के जिन्होंने इनको इंद्र पद दिया था। देखा ये तो मेरे प्रभु है, फिर तो इंद्र थोड़ा गए, लगता है मेरा इंद्र पद ही गए। अमरावती में अपना इंद्राणी को साथ में विश्राम करने के लिए गया, लेकिन इतना भगड़ा रहा था उसको नींद नहीं आई। फिर पितामह श्री गुरु जी के पास में गए, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बोले फिर बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास में गए बोले भैया तुमने बड़ी गड़बड़ कर दी, मैं भी कुछ दिन पहले बड़े बुरे तरह से फंस गया था, बोले आप भी फंस गए थे, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले कृष्ण जब अघासुर को वध दिए, अभी देवता लोगों ने जितने हैं जितने देवता लोगों ने जब देखा कृष्ण अघासुर को वध दिए और अघासुर को ज्योति कृष्ण का शरीर में प्रवेश किया, देवता लोगों ने बड़े जोर से जयकार लगाए, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। अभी ये जय ध्वनि धीरे 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 स्वर्ग लोक में पहुंचा, अभी स्वर्ग लोक से धीरे धीरे ये जय ध्वनि ब्रह्म लोक तक पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा भैया क्या बात है, ये देवता लोग इतने जय जयकार क्यों कर रहे हैं। अभी पितामह ब्रह्म उतर करके आए, देखा कृष्ण का उम्र 5 साल का था और इतने भयानक राक्षस जिस अघास रूप को देवता लोग भी डरते थे, उन्होंने कृष्ण अघास रूप को मार डाली और इसका ब्रह्म ज्योति कृष्ण शरीर में प्रवेश किया। इंद्र ने देखा भैया ये बालक है कौन, ये बालक कौन है, कृष्ण जब सखाओं के साथ में यमुना किनारे में बैठ कर भोजन कर रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी ने कृष्ण का बछड़ा और सखा को चोरी कर दिया। इतने में कृष्ण उन्होंने जितने बछड़े सखा थे अपना शरीर से भी गई से सखड़ा बच्चा को उन्होंने सृष्टि की, कृष्ण खुद खुद को साथ में लीला कर गए थे और ब्रह्मा उनको लेकर के एक गुफा में छुपा दी। छुपा करके ब्रह्मा जब वो ब्रह्मलोक में पहुंचे, वो ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहाँ जो दलवान था बोले देखो मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को देखा घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई आए अंदर में उसको घुसने मत दिया करना। जब ब्रह्मा आए, ब्रह्मा का जब नौकर लोग थे ब्रह्मा जी को तो मारने के लिए दौड़े, बोले हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए तू कहाँ से आ गया। ब्रह्मा जी बोले भैया मेरे रूप धारण करके कौन बैठी गया है। उन्होंने ध्यान करके देखा उनका प्रभु स्वयं भगवान उसके आसन पर बैठे हुए। ब्रह्मा गए और आए, आते जाते इसी मर्त्य जगत में 1 साल बीत गए और 1 साल बाद में जब आए देखा कृष्ण 1 साल पहले प्रभु जैसे लीला कर रहे थे, अभी भी प्रभु वैसे ही लीला कर रहे हैं, सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती है। फिर ब्रह्मा जी ने देखा मैं जिन लोगों को लेकर गुफा में बंद कर दिया, कृष्ण क्या पुनः उनको ले आए। फिर ब्रह्मा जी देखे बोले नहीं वो तो बेस के बेस सो रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी एक साथ में दोनों तरफ में इधर दो सर और इधर दो सर, जब दोनों तरफ में देखा कृष्ण दिखाया देखो ये बछड़ा सखा और कोई नहीं, मैं स्वयं ये बछड़ा और सखा बनकर मिला कर रहा हूँ, मैं स्वयं हूँ। ब्रह्मा जी एक नारायण की नाभि कमल से इनकी सृष्टि हुई, देखा वहां पर अनंत नारायण अनंत नारायण। ब्रह्मा समझ गए ये कृष्ण कौन है, बोले मेरे पिताजी की पिताजी मेरे पिताजी की ये पिताजी। अरे ब्रह्मा जी हम सब हम से टूट पड़े और सीधा कृष्ण के चरण में लेते
लेट करके अपना आंसुओं से प्रभु की चरण को पकड़े और खड़े होकर के भगवान को स्तुति करते हैं। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिराधिगोविंद सर्व कारण कारण। बोले कृष्ण कौन है? बोले ये ईश्वर है। बोले ईश्वर का मतलब क्या है? बोले ईश्वर का डेफिनेशन दिया, कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु जो सत्य है वो ईश्वर। मतलब है तो नहीं, नहीं तो जो है कर सकते हैं, दिन को जो रात और रात को जो दिन कर सकते हैं वो ईश्वर है। और ये कृष्ण कौन है? मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी। देखो ध्यान दे रहे हैं, कृष्ण कौन है? ब्रह्मा ये बात कह रहे हैं। तो ये बात को थोड़ी सी अच्छे तरह से समझो। ये कृष्ण कौन, ये राम कौन, ये नारायण कौन, ये चीज को अच्छे तरह से समझो, मन लगा कर सुनो। कहते कृष्ण, कृष्ण जो है ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं जो कृष्ण है, बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म और सनातन। कृष्ण ये सोलह कला में जो परिपूर्ण है, ये भगवान कृष्ण ही ये सोलह कला में प्रभु परिपूर्ण है। जब भगवान एक समय गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्षों के नीचे प्रभु खड़े हैं, अभी इनकी इच्छा हो रही है हम लीला करें, लेकिन अकेले तो लीला कर नहीं सकते। तब इनकी बाम अंग से श्री राधारानी प्रकट हुई और इनके डाहन अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए। और राधा रानी से ये जितने शक्ति है, उमा रमा सत्या सती चंद्रा रुक्मिणी गीता सीता, ये जितने ये कहाँ से प्रकट हुई? बोले श्री राधा रानी से। इसलिए राधा रानी की जब हम पूजा कर देते हैं, ये एक शक्ति नहीं अनंत शक्तियों की पूजा अपने आप हो जाती है, अपने आप हो जाती है। कृष्ण के दान अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए, श्री बलदेव प्रभु से श्री शंकर सन प्रकट हुए, फिर इससे चतुर्व्यूह प्रकट हुए, फिर यहाँ से तीन विष्णु प्रकट हुए। कितना विष्णु प्रकट हुए? बोलो कितना विष्णु प्रकट हुए? हाँ देखो ये चीज को समझो, ये तीन विष्णु कौन है? कहते एक एक कारण दशा है विष्णु, एक गर्भ दशा है विष्णु और एक खिलाफ दिखाई विष्णु। बोले भैया इनका क्या काम? अच्छे तरह से समझो, कहते जो कारण दशा है विष्णु है, जिनसे ये जितने अवतार हैं मत्स्य कुर्म बरंगादि, ये जितने अवतार यहाँ से प्रकट होते हैं, इनसे ये सारे अवतार प्रकट हुए। जब यही विष्णु ये माया को प्रति दृष्टि करती है, ये माया अनंत करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि करती है और हर ब्रह्मांड में भगवान एक नारायण रूप में जिनको कहते हैं गर्भोदशाई विष्णु। ये गर्भोदशाई विष्णु कौन? बोले जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनकी नाभि कमल से ये ब्रह्मा प्रकट हुए। कहते भैया ये क्षीरार्धिशाई विष्णु कौन? बोले ये अनंत ये शेष है, भगवान जिनको ऊपर शयन करते हैं और सभी जीव का हृदय में एक क्षीरोदशाई विष्णु है जो हम कहते हैं परमात्मा, सभी के हृदय में निवास करते हैं। कहते ये श्री क्षीरोदशाई विष्णु है, सभी का हृदय में ये निवास करने वाले श्री ये क्षीरार्धिशाई विष्णु है। इसलिए जो कृष्ण कौन हो गए, कृष्ण कौन होगी? ये सबका जो मूल का कारण का कारण का जो कारण है ना, ये भगवान कृष्ण है। देखने पर लगता है ये लड्डू गोपाल जैसा है, लेकिन ये साधारण नहीं, छोटे नहीं बड़े छोटे हैं, ये साधारण नहीं है। ये सबका मूल कारण का कारण श्री भगवान कृष्ण के नैया श्री राम के लिए आई। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री बांके बिहारी की, जय जय श्री राधे। तो ब्रह्मा जी ये हमारी आदि गुरु है, हम लोग इनसे ही सृष्टि हुए हैं, भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु महाराज और मनु महाराज से ये सृष्टि का क्रम धीरे धीरे आई है। इसलिए हमारी मूल जो पिता ब्रह्मा जी,
ये हमें बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बात हमें बताए, बहुत प्यारी प्यारी हमें उपदेश ब्रह्मा जी देते हैं। देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले तत्वित्रीतम। अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आए ना, कभी आप ये मत समझो भैया उसकी वजह से ये दुख कष्ट हमारी आई, इसकी वजह से ये नक्षत्र स्थिति समझो, इसकी वजह से ये दुख कष्ट मुझे हुई है। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया किसी की वजह से कोई दुख कष्ट किसको भोगना नहीं पड़ता, हमने जैसे कर्म किया है वो कर्म का फल भोग कर रहे हैं। जैसे आप आम का गुठली भोगे तो बताओ तो वहां पर कौन सा वृक्ष आएगा, बोलो आम। अगर आम का गुठली भोगे वहां पर कौन सा वृक्ष आएगा, क्या वहां नीम का वृक्ष आएगी, नहीं। अगर वहां नीम का बीज बोगे वहां पर कौन सा वृक्ष आएगी, नीम आएगी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया कभी किसी को पर कोई दोष मत लगाया करो, किसको पर कोई दोष मत दो, इसकी वजह से यह हुई, उसने मेरे को ये कष्ट दिया, नहीं। कोई किसी को कोई कष्ट नहीं देता है, हमने जैसे कर्म किया वो कर्म का अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं, हैं? अपना कर्म के अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं। और जीवन में जो कुछ आता है हंसते हंसते भोग कर लो, हंसते हंसते उसको भोग कर लो, लेकिन कभी भी भजन कर छोड़ा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं भजन मत छोड़ा करो, दुनिया छुटे छुट जाए लेकिन प्रभु की भक्ति कभी मत छोड़ा करो। अगर हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, अगर जीवन में कोई कष्ट आया, कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, हम इतने ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी के इतने भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हमारे ऊपर ये कष्ट क्यों दिया, कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम ठाकुर जी के ऊपर में सारे दोष ठाकुर जी के ऊपर देना शुरू कर देते हैं। बोले भैया कभी ठाकुर को फिर मत दोष दिया करो, ठाकुर जी को फिर कभी दोष मत दिया करो, हमने जो कर्म किया हम भोग कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी को क्यों भुला रहे हो बीच में। जब घर में शांति आई, घर में जब सुख आए, कभी भगवान को थैंक यू कभी बोले हो, भगवान को कुछ नहीं बोला, अगर कोई शांति सुख आए बोले मेरा मैंने किया है, मैंने किया। और जीवन में जब कोई दुख आ जाए ना बोले किस लिए हुआ है, बोले ठाकुर ने ऐसे किया है। कोई दुख आ जाए तो बोले ठाकुर जी किए हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल। देखो जो बीच में बात करते हो ना थोड़ा अलग करके बैठ जाते, जो जो बीच बीच में बात करते हो आपस आपस में थोड़े डिस्टांस से बैठ जाए, और तो तुम लोग थोड़े अलग अलग बैठ जाए, जो दो तीन मकान जाएंगे ना थोड़े अलग अलग बैठ जाए, एक साथ में बंद कर बढ़िया तुमसे खड़े हो जाए। हाँ कथा को बीच में बात नहीं करनी चाहिए, मुंह में हाथ लगाकर बैठे बस वृंदावन बिहारी लाल की। देखो एक दो उदाहरण समझो, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर बीच में कोई दुख कष्ट आ जाए ये समझना, मानो हमारे ऊपर में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने का था, ठाकुर जी हमें केवल थोड़ी सी दुख देकर हमें ठाकुर जी छोड़ दिया, ये समझो। देखो एक समय दो भाई रहते थे, एक भाई तो बड़ा नास्तिक, नास्तिक समझते हो जो भगवान को नहीं मानता, और एक भैया बड़ा आस्तिक, दिन रात ठाकुर को पूजा सेवा दिन भर करता है। जो भाई भजन नहीं करता था, जो भजन करता था हर समय उसको खिली उड़ाया करता था, अरे क्या दिन भर माला लेकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हो, दिन भर क्या ये पत्थर को सामने बैठे हुए हो, क्यों अपना समय को बर्बाद करो, उसको बेकार भजन बने। एक दिन दोनों भाइयों का निमंत्रण आया तो दोनों भाई निमंत्रण में गए, जब गए जो भजन नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिली है, उसने कहा देखा मैं भगवान की भक्ति नहीं करता मेरे को सोने की मोहर मिली। और थोड़ी दूर गई ना जो भजन करता था उसको प्यार में एक लोहे का सिंह मिल गया, बात उसको तो मौका मिल गया, बोले देख लिया तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला, देख लिया ना। अभी उसने तो बड़ा दुखी हो गया, ठाकुर जी दिन भर में तेरी सेवा पूजा भक्ति करता हूँ
और तुम मेरे को ऐसे कष्ट दिया, मेरे को देखो कैसे हम हंसी उड़ा रहे हैं, कैसे इतने में आकाश गाने दी। बोले बेटा ऐसे मत समझो, भक्ति करने वालों को दुख होता नहीं, भक्ति नहीं करने वालों को सुख होता है। सुन लो, तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा सुन लो। जिसको सोने की आज एक मोहर मिली, ये पूर्व जन्म में इतने दान पुण्य किया था, आज का दिन उसको राज दरबार में उसको राजा बनने का था, राज तिलक बनने का था। लेकिन वो चुपके मेरे और मेरे भक्तों को बदनामी करता है, निंदा करता है। मैंने उसका सारे पुण्य को मैंने खत्म कर दी और एक सोने की मोहर देकर बंदी कर दिया। तू इसको लेकर जा, तेरी बात सुन। पहले जन्म में तुमने एक मरण दिया था और आज का दिन तुमको राज दरबार में फांसी झूलने का था। लेकिन तू चुके मेरे नाम लेते हो, मेरे भजन करते हो, मैंने तेरे सारे पाप को मैंने खत्म कर दिए और प्यार में एक लोहे की सीख करा करके तेरे को मैंने छोड़ दिया। बेटा ये मत समझो भक्ति करने वालों को कष्ट होता है, नहीं, भक्ति करने वालों को कृष्ण गीता में खुद कहते अर्जुन, अगर मेरे लिए कोई थोड़ी सी करता है ना, मैं उसके लिए इतना करता हूँ, उसके जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्त दिला देता हूँ, ठीक है ना। इसलिए अगर भक्ति करते करते कोई दुख कष्ट आ जाए, बिलबिलाना नहीं, बिलबिलाना नहीं, आनंद से करो, उनकी भक्ति करते रहो, भगवान की भजन करते रहो। तो ब्रह्मा जी कहते कोई भजन करा करो। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। जय ब्रह्मा जी भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान खुश नहीं हो रहे थे। भगवान तो सखाओं के साथ में मस्ती ले रहे थे। सखा लोग कह रहे थे देखो ये क्यों हुआ, तो देखो ये क्यों हुआ, तो देखो चार मुंह वाले कहाँ से अजीब सा प्राणी आ गया। ब्रह्मा जी ने सोचा अभी तक तो मैंने भगवान को स्तुति करके देख लिया, एक बार मैं ब्रजवासियों का स्तुति करके देखता हूँ। ब्रह्मा जी उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति की, बोले अहो तिभन्या ब्रजो गो रमन्या। कहते ये ब्रजवासियों का महिमा क्या बताए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि लोग क्या क्या सुहास 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 गज्ञ में करते हैं, लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन देखो ब्रजवासियों ने क्या पुण्य किया, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन है इसका बेटे बन गए, इसके दोस्त बन गए, इसके प्रियतम बन गए हैं। कृष्णा जब सखाओं को साथ में गोचारण करने जाते हैं, अगर सखाओं को कोई मीठा फल मिल गया ना, पहले खा लेते, बोले कन्हैया फल बड़ा मीठा है। कृष्ण कहते सारे तू अकेले खाओगे, और एक बार खा लिया कृष्ण छीन लेते हैं और उसका झूठा फल तो खाते हैं। अगर कभी सखा सखा में लड़ाई हो जाए ना, अगर कृष्ण कभी हार गए, बोले कन्हैया घोड़ा बन, कृष्ण कहते मैं घोड़ा नहीं बनता, बोले घोड़ा नहीं बनोगे, ए कृष्ण को अकेले कर दो, उससे कोई बात नहीं करनी, इससे कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं नहीं ऐसे मत किया करो, मेरे को अलग मत किया करो, मैं घोड़ा बन जाऊंगा। बोले चल घोड़ा बन जाए, भगवान को घोड़ा बना करके उसको पीठ पर बैठे करके भगवान घोड़ा बना देते। जब कृष्ण मक्खन चोरी की, मैया ने क्या किया, कृष्ण को उखल में बांध दी। मैया ने कहा लाला तेने मक्खन खाए, कृष्ण झूठ बोल देते। बोले कैया बोली मैं नहीं मक्खन खाए। इसलिए कहते ये ब्रजवासियों ने इतने सौभाग्य किया है, जब उन्होंने इतनी सी बात बताई ना, इतने में कृष्ण थोड़ी सी उन्होंने मुस्करा दिए, कृष्ण थोड़ी सी मुस्करा दिए, ब्रह्मा समझ गए इनका कमजोरी था, तो उनको भजन कितना जगह दे तो घट जाना। इसलिए इतने में कृष्ण जब थोड़ी सी हंस पड़े, फिर इनकी कमजोरी पता चला। कृष्ण का कमजोर कहाँ पर, मतलब क्या है, शिक्षा देते हैं भैया मेरी सेवा करने से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर कोई मेरे भक्तों का सेवा करता है ना, उससे मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। ब्रह्मा जी भगवान ने तीन परीक्षा लगाए और अंतिम में कहते हैं बोले जानम तो ए ज्ञानम तो। अगर कोई बोले अरे वही कन्हैया ना जो गैया को पीछे पीछे बोलता था, घर घर में मक्खन चोरी करता था, हम उसको जानते हैं। ब्रह्मा जी कहते भैया
तुम्हारे का एक सर है, तुम तो इंसान हो, मैं कौन हूँ? ये अनंत कोटि रूपये ब्रह्मांड का सृष्टि करने वाला मैं हूँ, ये चाल सर है। यदि इसमें भगवान को समझ नहीं पाया, कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, पृथ्वी का कहते बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन यदि बांके बिहार जी को कृष्ण को कोई नियामक नहीं समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी वहाँ से चल पड़े। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। यदि ब्रह्मा किसको कह रहे हैं? बोले इंद्र को कह रहे हैं। बोले इंद्र ये कृष्ण साधारण नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है। बोले भैया इनको संतुष्ट कैसे करेंगे, अब अपराध हो गया। बोले देखो कृष्ण ग्वाल है, भगवान गोपाल है, भगवान गैया चराते हैं ठाकुर जी स्वयं, इसलिए गैया को भरण पोषण करने वाले, ये गाभी की पूजा करने वाले, इसलिए गो माता है। चलो श्री सुरभि गाभी की आनुगत्य में जाएंगे तो हो सकता है कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने सुरभि गाभी की आनुगत्य में कृष्ण को पास में गए, भगवान गरीब उन्हें शासन दिया। बोले इंद्र तेरे अंदर में बड़ा अभिमान हो गया था। क्या अभिमान हो गया था? अगर मैं बारिश नहीं दूंगा ना ब्रजवास मर जाएंगे, और मैं इनका राजा ये मृत प्रजाएं हैं, मेरे तेरे को पता है ये ब्रजवासी कौन है? अगर नंद बाबा मेरे को कहते हो लाला मेरे खड़ाऊ ले आ, मैं ठुमुक 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 कर चलता हूँ, खड़ाऊ हाथों में नहीं, खड़ाऊ का सर पर रख कर चलाता हूँ, नंद बाबा इतने खुश हो जाते हैं। अरे देखो मेरे लाला कितने अच्छे हैं। मैंने कहा खड़ाऊ ले आ, हाथ में नहीं सर पर ले आया। लाला जब बड़ा होगा ना पिता माता ने बड़ी से नंद बाबा खुश हो जाते हैं। बल जिनकी की जुटी को मैं धारण करता हूँ, अगर नंद बाबा कहीं भोजन करते हैं ना, कृष्ण बलराम तो दोनों गोद में बैठा लेते हैं, कभी कढ़ी चावल, कभी दही चावल, कभी दूध चावल, एक पर कृष्ण को, एक पर दाऊ भैया को, एक पर खुद खाते हैं, खुद खाते हैं भगवान। जिनकी झूठा भगवान स्वयं खाते हैं, अगर नंद बाबा कोई पान खाते हैं ना, कृष्ण अंगुल डाल करके बाबा के मुँह से निकाल करके कृष्ण खुद खाते हैं। ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान, ये ब्रजवासी जिनकी जूती को मैं स्वयं धारण करता हूँ सर पर। और तू क्या सोच रहे हो तो इंद्र स्वर्ग का राजा और ये लोग तेरी प्रजा, लेकिन इनकी चरण धूल में एक इतने शक्ति है नंद बाबा की, एक चरण धूल में कितने स्वर्ग और कितने वैकुंठ को सृष्टि कर सकता है। अभी तुम्हें ये ब्रजवासियों की महिमा तुम्हें पता नहीं, ये ब्रजवासी कौन है, इसलिए खबरदार कभी अभिमान नहीं करना। प्रभु को उन्होंने अपराध माफी मांगे, भगवान को उन्होंने अभिषेक किया, अभिषेक करके भगवान का एक और नया नाम रख दिया। क्या नाम रखा? बोले गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की, जोर से बोलो बोले श्री गोविंद भगवान की। एक दिन कृष्ण खेलते खेलते कहाँ चले गए? काल्य हद में चले गए। अभी कृष्ण जाने से पहले कृष्ण का सखा लोग गए, बछड़े गए, गैया गए, और वो जो पानी ऐसे उबला उबलता था, आकाश में कोई चिड़िया भी नहीं जा सकते थे, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं था, भयंकर जहरीले पानी, उसको केवल स्पर्श करते ही सबके सब वहाँ पर सबको सब प्राण त्याग कर दिया। इतने में भगवान गए, अपना अमृतमय दृष्टि से उन्होंने पुनः उसको प्राण दिया। बोले अगर ये काव्य रहेगा तो मेरी लीला में प्यासा का करेगा, इसलिए उनको यहाँ से हटानी चाहिए। इतने में बोले सखाओ एक काम करो, जब गरुड़ ने अमृत लाया था और ये पेड़ के ऊपर उन्होंने रखा था, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं देखता हूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत वहाँ पर अमृत होगा और ला करके तुमको पिलाऊंगा। बोले ठीक है कन्या। इतने में कृष्ण पेड़ के ऊपर में चढ़े, अपना कमरे में अच्छे तरह से ठेके को बांधे और उनने कालिया हृदय में उनने छलांग लगा। जब छलांग लगाई एक सौ धनुष तक वो पानी ऊपर में छलांग छलक करके ऊपर में चला गया, और कालिया वहाँ पर एक गुफा बना करके रह रहा था, वो गुफा तो अंदर में पानी प्रवेश कर गया और कृष्ण पानी में तैर रहे थे। कालिया ने देखा भैया ये बच्चा है कौन,
ऊपर में कोई चिड़िया भी नहीं जा सकते थे, यहाँ पर कोई पेड़ पौधा है नहीं, ये है कौन जो ये पानी में तैर रहा है? इतने में काली और जो सो रहा था उसने में उठा, लेकिन ये काली का जो पत्नियाँ थी ना वो बड़ी ही भक्ति में कृष्ण के परम भक्त थे। बीच बीच में उनकी पत्नियाँ इनकी कथा सुनाया करते थे, बोले देखो ये जो कृष्ण है ना ये भगवान है, खबरदार इनसे कभी पैर नहीं फाड़ना, वो बड़ा अभिमानी था, अरे भगवान कैया को पीछे पीछे डोलता रहता है, घर घर में मक्खन चोरी करता, ये भगवान हो गया। इनकी बात वो नहीं सुनता था, अभी उनकी पत्नियां उनको समझाया कृष्ण से दैर मत खाना, वो नहीं अभी मैं दिखाता हूँ उसको। इतने में कालिया निकल कर आया, कृष्ण का जो मर्म स्थान तुमने दंशन करने लग गया। कृष्ण ने कहा देखो पहला नंबर तेरा है, बाद में फिर बोलोगे हमें मौका नहीं दिया, जो कुछ करना तू कर लिया। लेकिन जब किसी तरह से कुछ नहीं हुआ, इतने में कृष्ण को उन्होंने एकदम पूरा शरीर में लपट दिया कृष्ण का कर्वी में। इतने में ब्रज में तरह तरह का अनहोन होने लग गया, सारी ब्रजवास किसने जाकर खबर दिया कृष्ण काली हृदय में कूद पड़ा और कालिया ने कृष्ण को पकड़ लिया। जितने सारे ब्रजवासी भागते भागते आए, सबके सब कृष्ण को देखा, कालिया तो पकड़ लिया कृष्ण को, सबके सब प्राण त्याग करने जा रहे थे। लेकिन बलदेव प्रभु सब जानते हैं, बोले कन्हैया अगर तुम तो खेलना तो अरे मेरे साथ तो खेला करना, क्योंकि बलदेव प्रभु कौन, बल अनंत देव है, बलदेव अनंत देव है, अरे खेलना तो मेरे साथ में खेल, ये मरे गरे एक साथ सर्पों के साथ में क्यों खेल रहे हैं? बोले कन्हा देव ब्रजवासी तेरे देह में प्राण त्याग करने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी निकल कर के आ। जब उन्होंने इशारा की इन्होंने ब्रजवासियों को बचाए, इतने में कृष्ण अपना शरीर को धीरे धीरे फुलाया, फुलाते फुलाते झट उन्होंने पतला होकर के निकल आए और कालिया के सर के ऊपर में चढ़ गए। बोले कालिया का सौ फड़ा था, वो एक साथ में कृष्ण को काटना चाह रहा था, एक साथ में कृष्ण एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कृष्ण हैं छलांग लगा रहे थे और चरण की ठोकर को मार मार करके ऐसे मार रहे थे। कालिया ने देखा हे भगवान मैंने गर्ग को साथ में भी मैंने जीत की, इतने पराक्रमी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और ये छह साल का बालक और मेरे सर को पर खड़ा हुआ एज लगता है विश्व ब्रह्मांड मेरे सर को पर आ गया, विश्व ब्रह्मांड आ गया। इतने में कृष्ण एक क्षण से दूसरे, दूसरे से तीसरे जब नृत्य कर रहे थे, स्वर्ग से सारे देवता लोग उतर करके आ गए, वाद्य यंत्र लेकर के और प्रभु नृत्य कर रहे थे और देवता लोग सुंदर वाद्य बजा रहे थे। इसलिए एक सूरदास हुए हैं, बड़ा सुंदर एक पद लिखे हैं, बोले पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद लत पम 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 पन पौपर, पम 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 पद पद लत पम 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 पन पौपर, बिंग 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 बिनत करत, बिंग 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 बिनत करत नागव द्वारी, पांडव गति मुंडन कर नाचत गिरिधारी, पांडव गति मुंडन कर नाचत गिरिधारी, पांडव गति मुंडन कर नाचत गिरिधारी, सन 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 का सन गन गन गंधर भगवान, सन 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 का सन गन गन राम नाम नाम नारद मुनि, राम नाम नाम नारद मुनि, सब देत काली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, श्री कालियानाथन भगवान की। बड़े सुंदर प्रभु नृत्य कर रहे थे, इतने में कालिया की मुंह से खून की उल्टी होने लग गई और जो कालिया पत्नियां थी ना वो बड़ी सुंदर थी, वो दूर से देख रही थी,
और देख देख करके सोच रही थी ये मर जाए तो ठीक है। क्या सोच रही थी? ये मर जाए तो ठीक है। बोले क्यों? वो ऐसे क्यों कह रही थी? बोले एक मिनट तक ये भजन करता नहीं और ये हमें भी भजन करने नहीं देता है। जो भजन करे नहीं और दूसरों को भजन नहीं करने देना, कहते भैया ऐसे पति रहना मर जाना बराबर है, पति रहना मर जाना एक ही बात है, कोई जरूरत नहीं जिंदा रहने का। क्योंकि भगवान हमें ये मानव शरीर दिया है, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार हमें ये मानव शरीर मिला है। इतना दुर्लभ जीवन मिला, अगर ये जीवन में हमने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की भजन नहीं हुआ, फिर तो भैया जीवन धारण करना रहना बराबर है। इसलिए सोच रहे थे मर जाए तो बढ़िया है, कोई जिंदा रहने का कोई जरूरत तो नहीं। इतने में आप लोग ने मीरा का नाम सुने हो? कौन कौन मीरा का नाम जानते हो? सब जानते हैं। मीरा जब भजन कर रही थी, इसका पति, इसका जेठ, इसका देवर, इसका ननद, इसका सास, सबके सब उसको पीछे रहे थे। बोले ये क्या दिन भर संतों को बीच में क्या नाचते रहती हो, राज रानी हो गई थी है? क्या तू दिन भर नाचते रहे तो संतों के पीछे पीछे बोलती हो, सबके सब इसको पीछे पड़े हुए थे। इतने में मीरा ने एक दिन, उस समय तुलसीदास का समय था, उसने सिर्फ तुलसी गोस्वामी तुलसीदास को पास में तो पत्र लिखे। बोले गोस्वामी जी अभी ये बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमें भजन करने नहीं देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिख करके मीरा के पास में भेजे। ध्यान देख रहे सुना तो दोहा में क्या कहते हैं? बोले जिनके प्रिय न राम बैले ही, हिंदी समझते हो? कहते जिनके प्रिय न राम बैले ही, तेजी कोटि बैरी समझ यद्यपि परम जन ही। यद्यपि वो हमारी परम स्नेह का पात्र है, अगर ये प्रभु जी भजन नहीं करते हैं इनको पर्व शत्रु मान करके त्याग दो। बोले इसका प्रमाण क्या है? बोले तेजत पिता प्रह्लाद, ये प्रह्लाद ने अपना पिता को उन्होंने त्याग दिया है और भरत ने अपना माँ को त्याग दिया। बोले तुमने राम सीता को तुमने वनवास दे दिया, अगर राम नाराज नहीं होते ना आज तेरे सर को मैं कत्ल कर देता। और विभीषण ने किसको त्याग दिया? अपना भैया श्री रावण को त्याग देते हैं। और श्री बलि ने अपना गुरु को उन्होंने त्याग दिया। नियम है गुरु को त्याग देनी नहीं चाहिए, लेकिन गुरु अगर असत मार्ग में गए हैं तो कहना भैया गुरु छोड़ने का नहीं चाहिए, नहीं कहीं कहीं बताया गुरु त्याग देनी चाहिए। अगर गुरु जी तुम्हारी असत मार्ग में कहीं फंस गए, बुरे कर्म में फंस गए, वो गुरु को त्याग देनी चाहिए। इसलिए बलि महाराज ने अपना गुरु को त्याग दिया और गोपियों ने अपना पतियों को उन्होंने त्याग दिया और जगत में तो कल्याण कल्याण मंगल मंगल हुई। इसलिए नाग पत्नियां सोच रही थी मर जाए तो बढ़िया है, ये जिंदा रहकर करेगा, भक्ति तो करता नहीं और हमें भी भक्ति करना नहीं देता है, इसलिए जिंदा रहना मरना चाहिए। लेकिन जब भगवान अपना चरण की ठोकर से मार मार करके जब मुँह से खून की उल्टी होने लग गई ना, अभी उसके सारे समझ गए ये कृष्ण साधारण नहीं, ये कृष्ण भगवान है। फिर तो उसने मन मन में सोचा मेरी जो पत्नियां कहती थी ये भगवान सही है, ये 6 साल बच्चा ऐसे लगता है जैसे विश्व ब्रह्मांड मेरे सर को उतर आ गया। फिर उसने मन मन में प्रभु के चरण में शरणागत हो गई। बोले हे प्रभु मेरे को बचाओ, हे प्रभु मेरे को बचाओ। जब उसकी मन बदल गया ना प्रभु की भक्ति में, फिर उनकी पत्नियां सोचती हैं नहीं ऐसे पति रहना चाहिए, ऐसे पति रहना सही, कैसे पति रहना जो भगवान की भजन करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, ऐसे पति रहना सही। बोले क्यों? बोले ये नाग पत्नियां देखने में बड़ी सुंदर थी, अगर किसकी पत्नी बड़ी सुंदरी हो, अगर उसका पति बीच में मर जाए ना, दूसरे व्यक्ति उसको बड़े बुरे नजर से देखने लग जाते हैं। कहते हम तो बड़ी सुंदरी, अगर पत्नी अगर मर जाए ना लोग हमें बुरे नजर से देखने लग जाएंगे। इसलिए अगर पति भजन करता है फिर क्या होता है, जैसे सत्संग में जाओ दोनों पति पत्नी सत्संग में गए, वृंदावन गए दोनों पति पत्नी वृंदावन में गए, घर में कीर्तन सत्संग किया दोनों पति पत्नी मिल गए कि करे हैं। अगर पति पत्नी दोनों कहते ना
भागवत में कथा थी ना, पति का नाम आत्मदेवी, अब पत्नी का नाम क्या थी? धुंधली। धुंधली मतलब अज्ञानी, आत्मदेव मतलब जो आत्मज्ञानी। लेकिन ये जगत में कभी कभी होता है ना, पति तो होता है आत्मदेव, कभी कभी जो पत्नी है ना धुंधली होता है, वो बड़े अज्ञानी होती है। लेकिन कभी कभी पत्नी होती है आत्मवती, लेकिन जो पति है ना कभी कभी धुंध घर निकलता है, हैं, वो बड़ा दुष्ट निकलता है। लेकिन उनका घर धन्य है जिस घर में पति भी आत्मदेव है और पत्नी भी आत्मवती है। अगर दोनों पति पत्नी अगर प्रभु की भजन में थे ना, वाह गाड़ी बढ़िया चलेगी, गाड़ी बढ़िया चलेगी, दोनों मिलकर के प्रभु की भक्ति करेंगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे बस जोर से बोलो, मैं अकेला बोलता हूँ, अकेले कोई बोलते नहीं, जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी नाग पत्नियां अपना बच्चों को सामने लेकर के भगवान को स्तुति करने लगे, बोले प्रभु हमारे पति को मारना नहीं, हम विधवा हो जाएगी। ठाकुर जी बोले देखो तुम्हारी पति को मैं मारूंगा नहीं, क्यों तुम लोग भजन करती हो, लेकिन तेरे पति के अंदर में जो अभिमान था ना, ये अभिमान को मैं खत्म कर रहा था। हैं इतने में नाग पत्नियां कहती, बोले प्रभु हमारे पति ने ऐसे कौन सा सौभाग्य किया है, क्योंकि जिस चरण कमल को प्राप्त करने के लिए बोले बिहाय तमाम सुचिरता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके जिनको पाने के लिए बैल बनने कठोर तपस्या कर रही है, जिस चरण को ब्रह्मा शंभु अमर पति गणेशार्थ तपद ब्रह्मा शंकर नारद लक्ष्मी जिन चरण कमल को पूजा करते हैं, हमारे पति ने पूर्व जन्म में से कौन सा पुण्य की आप इनके सर पर अपना तैयार रखा है। देखो इनके सुंदर स्टोरी में ध्यान लगा देता हूँ, भगवान क्यों इनके सर पर नृत्य किया है, इसमें दो स्टोरी है, मैं एक कथा सुनाता हूँ। तो एक समय कोई एक राजा था, वो राजा का पेट 24 घंटा उसका पेट में जंत्रणा होता था, उसने बड़े उन्होंने दबा फबा बहुत कुछ कर दिया लेकिन सही नहीं हुआ। एक दिन एक संत ने कहा देख बेटा वहाँ पर एक कबूतर रोज आता है, ये कबूतर को पकड़ करके उसका मांस को तू खा ले, तेरा पेट दर्द सही हो जाएगा। अभी वो रोज क्या करता है, वहाँ पर दाना बिछवा करके जाल बिछा करके बैठता है, लेकिन किसी तरह से कबूतर उसकी जाल में फंसता ही नहीं, किसी तरह से फंसता नहीं। फिर आया साधु के पास में, बोले वो पास में आता है फंसता नहीं, बोले एक काम करो तू साधु का रूप धारण कर ले वो अपने आप फंस जाएगा। जब उसने साधु का रूप धारण किया ना, वो कबूतर सीधा उड़ते हुए उसको गोद में बैठ गया, क्योंकि साधु को सब विश्वास करते हैं। इतने में उसने पकड़ लिया, बोले भैया पहले अगर पता रहता ना पहले ही मैं साधु का रूप धारण कर लेता। इतने में जब कबूतर को लेकर के जा रहा था, राजा सोचने लग गया, बोले भैया मैं बड़ा पाप कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये जाल में फंस ही नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने साधु का रूप धारण किया ये अपने आप आकर गोद में बैठ गया, क्यों साधु मानकर। ये साधु कभी हमारे अपकार नहीं करेगा, साधु से नाम है तारज हानी, और मैंने इसको मार कर खा के नहीं जाऊंगा, नहीं ये गलती है। बोले भैया मेरा पेट दर्द हो कोई बात तू जा, उसको छोड़ दिया। जो छोड़ दिया ना, इतने में कबूतर बोल पड़ा, बोले महाराज मैं परीक्षा कर रहा था, आप परीक्षा में जीत गए हो, जब मेरे को छोड़ दिए एक उपाय बताता हूँ, जाओ वहाँ पर एक पीपल पेड़ है, वो पीपल पेड़ के ऊपर में एक संत रहते हैं, उनकी चरणामृत का आप पी लो, अपना पेट दर्द सही हो जाएगा। जब वहाँ पर गए, बोले बाबा थोड़ी सी कृपा करके अपना चरण को बढ़ाओगे, जब उनने चरण बढ़ाया ना, देखा उसमें कुष्ठ व्याधि कूड़, उसमें कीड़े पड़े हुए, उसमें खून पी इतने बदबू मार रहा था, पास में खा भी नहीं हो जाएगा। उसने बोले भैया चरणामृत कैसे लो, सोचा दूसरा चरण अच्छा होगा,
बोले बाबा कृपा करके आपका दूसरा चरण थोड़ा बढ़ाओगे, जो उन्होंने दूसरा चरण बढ़ाया ना उससे भी ज्यादा गया लिखा। अभी चरणामृत पिए कैसे, और उन्होंने बताया इनकी चरणामृत से ही तुम्हारा पेट दर्द सही होगा। बोले भैया किसी तरह से लेना ही पड़ेगा, एक हाथ नीचे रखा, दूसरे हाथ से जब उन्होंने चरणों को अभिषेक करके सोचा एक दो मुझे अगर पानी आ जाए पी लूंगा, जब पानी डाले ना पानी क्या गिरेगा, उनके हाथ में कीड़े पी और खून हाथ में गिरा, इतने बदबू मार रहा था। उसने क्या किया, हाथ को उसने फेंक करके अपना हाथ को अपना सर पर लगाया। जब सर पर लगाया इतने में जो संत था इतना क्रोधित हो गया, दुष्ट संतों का चरणामृत पीने के लिए आए हो, मैं तेरे को परीक्षा कर रहा था, संत की चरणामृत में कितना तुम्हारी सद्बुद्धि है। लेकिन जब उसने फेंक दिया ना, उससे कर्पूर अगुर की खुशबू आने लग गया। अभी तो उन्होंने दुखी हो गए, बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूं, तू सब पर जमीन जा। राजा तो गिड़गिड़ाने लग गया, चरण में गिर पड़ा, बोले बाबा माफ कर दो मेरे अपराध हो गया, मेरे अपराध हो गया, बताओ मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले तू तो सर्प बनोगे, लेकिन मेरे चरणामृत को तू फेंक करके वो हाथ का अपना सर पर लगा, इसलिए एक दिन ठाकुर जी तेरे सर पर नृत्य करेगी। इसलिए देखना हम लोग चरणामृत पी करके सर पर हाथ लगाते ना, क्योंकि भगवान की जो चरणामृत है ना, शास्त्र में बताया अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद तुम विश्वासरणम। भगवान की चरणामृत में पृथ्वी का इसे कोई बीमारी नहीं जो सही नहीं हो। कहते पृथ्वी का जितने गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सारे तीर्थ ठाकुर जी की चरण में निवास करते हैं, और तुमने ये हाथ का अपना सर पर लगाया है, चरणामृत को एक दिन ठाकुर जी नृत्य करेंगे। सचमुच से भगवान एक दिन वही काली रूप में आया, और एक दिन श्री बांके बिहारी ठाकुर जी उनकी चरण में ठाकुर जी नृत्य किया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतने में कालिया ने प्रभु के चरण में माफी मांगे, भगवान को उन्होंने सुंदर चंदन अगुर चंदन से ठाकुर जी को उन्होंने श्रृंगार किया। बोले ठाकुर जी जैसे गरुड़ जी को कभी कभी जैसे वाहन रूप में आप व्यवहार करते हो, कभी कभी मेरे को भी अपना सदा बल रहा। भगवान ने कहा देख खाली तू यहाँ से छोड़ करके तू रमण के बीच चला जा। बोले वहाँ पर गरुड़ मेरे को खा जाएगा। बोले खाएगा नहीं, मैंने नृत्य की ना, अभी तुम्हारे सर को ऊपर में मेरे सुंदर चरण हैं, अभी तुम गुरु भाई बन गए हो, अब तुमको खाएगा नहीं, अभी गुरु भाई बन गए हो। और एक रूप में तो यहाँ और दूसरे रूप में तुम गोलोक वृंदावन में चले जाना। जब भगवान कृष्ण को इच्छा होता है हम यमुना विहार करेंगे, कालिया को बुला करके उसका सर पर कृष्ण राधा रानी ब्रज गोपी बैठ जाते हैं, और कालिया उनको नौका विलास कराते हैं, नाव में उनको विहार करवाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। मन बस गया नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। मन बस गया नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में, बसालो बसालो निज चरणन में।
गोपियां नाच रही, अब पता ही कहां से आए? ये लोग गरी से आए, ये लोग आए खोड़ा से, ये दिल्ली से आए, इतना दूर से यहां आके नाच रहे हैं, और आप लोग यहां के एकदम चुपचाप बैठे हो, अब तो शर्म लगनी चाहिए। ये कहां दूर से आकर यहां नाच रहे हो, तुम लोग यहीं तो अगर चुपचाप बैठे हो, शादी हो ना मेन रोड में पीपा कर सब लोग नाचते हैं, और भगवान के कीर्तन में नाचने के लिए शर्म लगता है। संत सब एक बार टांग सीधा कर दो, संत सब टांग सीधा कर दो, सब खड़े हो जाओ, संत सब खड़े हो जाओ, एक बार सब चुपचाप बैठे हैं, सब हो जाओ। ओ तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तेरा चुनरी बाजार में, ऐसी हालत सोती मेरी सावधिया के बाजार में, ऐसी हालत सोती मेरी सावधिया के बाजार में, तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, सब कुछ मिला है, सर्प गंध की बात नहीं है।
सुरंदान बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम लेट हो गया लेट हो गया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय जय श्री राम। आपके सामने एक छोटा बच्चा है, दो मिनट कुछ बोले बोले वो मध्यान के मैदान दस ज्ञानंदन सलाकया चक्षुरुन मिले कन्यन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गौर चंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कतांत श्री राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलधर्भ सुभद्राय जगन्नाथ नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भक्ति विनय श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गुरु परंपरा के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। कथा में उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सारे भाई बहन सभी के चरणों में रखे होते प्रणाम। गुरु जी ने कुछ आदेश दिया है कुछ आप लोगों को हरी कथा सुनाने का। क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मुझे आता नहीं है, पर जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें सदगुरु क्यों बनाने चाहिए, सदगुरु को हमारे जीवन में क्या महत्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सदगुरु के आप कुछ करते हो। जैसे जिस प्रकार आप जॉब करते हैं, जॉब करोगे तभी पैसा मिलेगा आपको, इसी प्रकार जब सदगुरु आप बनाओगे ना तभी आपको भक्ति मिल सकती है, अन्यथा भक्ति नहीं मिल सकती। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि सदगुरु हमें क्यों बनाने चाहिए। देखो एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था। किसान के पास एक गैया थी और दो बछड़े। किसान उनकी बहुत सेवा करता था, गैया की भी बछड़ों की भी, और रोज डेली उनका दूध निकाल के ठाकुर जी को भोग लगा के और खुद भियान करता था उस दूध को। तो एक दिन किसान ने क्या करा, गैया ने एक दिन पता नहीं क्या हो गया उसने दूध नहीं दिया, तो गैया को उसने बहुत मारा। गैया को इसलिए मारा कि उसने दूध नहीं दिया, उसकी वजह से ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, इसलिए उसने गैया को मारा। गैया को गुस्सा आ गई, गैया सोच लिया मैं क्या करूँ, ये तो मुझे डेली मारेगा, अब मैं दूध नहीं दूंगी उस दिन तो मुझे मारेगा, दूंगी उस दिन नहीं मारेगा। इसलिए गैया ने एक मौका देखते हैं गैया वहाँ से निकल गई, भाग के चली गई। जब आगे गई भागते भागते जब वो थक गई, जब देखा कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ, यहाँ आगे जाने का कहीं रास्ता तो है नहीं, अब मैं कहाँ पर जाऊँ, भूख भी लग रही है। तो देखा गैया ने कि सामने जंगल है, जंगल में गई, कई जंगल में जाते हो जिससे कुछ फल वगैरह मिलेंगे तो उससे अपना भोजन बनाऊंगी और अपना पेट भर के यहीं सो जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगी वहाँ से। किसान ने मुझे बहुत मारा है, मेरे स्वामी ने बहुत मारा मुझे। अब गैया जब जंगल में गई ना, जब देखा उसने बाहर आस पास में हरी हरी घास, हरे हरे पेड़ हैं, इतने अच्छे अच्छे फल हैं, गैया देख के बड़ी खुश हुई, कह रही बढ़िया यहाँ तो आराम से खाऊंगी पीऊँगी और यहाँ पर सोऊंगी, ना कुछ काम, ना दूध देना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, आराम से नहीं आराम करूँगी बस। अब गैया ने चरना शुरू किया, घास को फल खाए, घास चरी, गैया ने बहुत देर से चर रही थी, उसका पेट भर गया। अब वो सोचती चलो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही बैठने के लिए जाती है ना, उसे आवाज़ आती है
कि आगे से शेर के दहाड़ की आवाज आती है, शेर दहाड़ रहा है। अब भैया ने सोच किया, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो मैं गई, मैं वहां से भी गई क्योंकि मैं वहां से भाग के आई हूँ, और मैं यहाँ से भी गई क्योंकि यहाँ मुझे शेर खा जाएगा। अब भैया ने सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ, जब उसने इतना सोच ही नहीं थी कि शेर उसके एकदम सामने आ गया, भैया ने झट छलांग मार के पेड़ के पीछे जाके चुपक गई। भैया ने सोचा अगर शेर ने मुझे देख लिया आज तो मेरा राम नाम सत्य है, इसलिए गया पेड़ के पीछे चुपक गई। अब जब शेर तो था बहुत भूखा था, ऐसा होता है शेर जब ज़्यादा भूखा होता है ना तो उसे दूर से सुगंध आ जाती है, कोई आस पास में कोई प्राणी घूम रहा है या कुछ खाने पीने का सामान कुछ रखा है जिससे मैं भोजन कर सकता हूँ, तो उसने उसे सुगंध आई क्योंकि यहाँ पे कोई प्राणी यहाँ पे शायद छुपा हुआ है जो कि डर के मारे छुपा बैठा है। अब गैया एक तरफ गैया सोच रही है भगवान मुझे बचा लो मैं क्या करूँ, इससे बढ़िया तो मेरा स्वामी था, कम से कम एक बार मार तो था पर इतना अच्छा तो था, मुझे डेली खाना देता था, मुझे पेट भरता था, सेवा करता था मेरी। अब गैया इतना सोच ही रही थी कि शेर आगे आगे घूमता हुआ पेड़ के पीछे पहुँच गया। जब गैया ने देखा कि शेर मेरे सामने और शेर गैया के सामने, गैया शेर के सामने, गैया के मन तो बहुत भयभीत हो गया। गैया ने एकदम छलांग मार के एकदम बहुत आगे भागी, आगे जाके देखा तो रास्ता बंद, वहाँ एक सरोवर था, सरोवर में बहुत ज़्यादा कीचड़ दलदल कहते हैं, दलदल में बहुत कीचड़, अगर उसमें कूद जाओ तो अंदर धस जाओगे तो वैसे मृत्यु, शेर ने पकड़ लिया वैसे मृत्यु, घर गई तो वैसे पिटेंगी। सब सोचे गैया ने सोचा कि कोई बात नहीं घर जाऊंगी बाद में, पहले शेर से बचने का उपाय सोचती हूँ, इसलिए वो दलदल में छलांग मार दी। जब उसने दलदल में छलांग मारी ना तो शेर ने उसे खाने की लालसा दे उसके पीछे पीछे छलांग मार दी कि मैं सर चलो आखिरी टाइम मरूंगा तो वैसे भी भूखा हूँ मैं, और इसे खा के मरूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं पेट भर के मरूंगा अपना, इसलिए शेर ने भी उसमें छलांग लगा दी। अब गैया थोड़ी आगे और शेर थोड़ा पीछे, अब आगे या पीछे तो बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि घस रहे हैं अंदर ही अंदर। इतने गैया तो बहुत उदास हो गई, शेर भी बहुत उदास, अब दोनों के मन में विचार आया कि अब तो हमारी मृत्यु निकट है, अब तो हम गए काम से। अब गैया ने सोचा, गैया ने एकदम कहीं अचानक से क्या उसके मन में आया, उसने पीछे मुड़ा और शेर की तरफ देखा कि तुम्हारा कोई स्वामी है क्या? शेर कह रहा मेरा कौन स्वामी, मैं तो सबका स्वामी हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं सबका स्वामी, मेरा कोई स्वामी नहीं है। और गैया ने तो शेर बोलता तुम्हारा कोई स्वामी है? गैया बोलती हाँ है। तो शेर बोलता अगर तुम्हारा स्वामी है तो क्या फायदा है, जिस स्थिति में तुम फंसे हुए हो उस स्थिति में मैं ही फंसा हुआ हूँ। तो गैया कहते नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि शायद मेरे स्वामी आएंगे मेरे अंतिम से पहले, अंतिम समय से पहले स्वामी आके मुझे निकालेंगे यहाँ से। गैया का इतना सोचना हुआ ही था कि जो किसान था वो ढूंढते 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 जंगल में घुसा तो देखा एक सरोवर में एक शेर और गैया फंसी हुई है। गैया के माथे पर ना वो किसान था उसने एक निशानी बना रखी थी तिलक की, उससे पहचान लिया कि ये गैया तो मेरी है। तुरंत ही किसान भाग के गया वहाँ पे गैया को बचाने, रस्सी लेके रस्सी गैया के गले में डाली और उसे खींच रहा। अब शेर ये सब दृश्य देखता है, शेर सोचता है कि गैया तो बहुत सही बोल रही थी, अगर मेरा भी कोई स्वामी होता ना तो मैं भी निकल जाता। अब गैया ने पीछे मुड़ के देखा, गैया को हंसी आ रही थी, आया मजा। जब वो बाहर निकली तो देखो ये जो कहानी है ना स्टोरी जो है ये हम लोगों पे आधारित है, ये सरोवर कौन है, ये सरोवर कोई और नहीं है, ये भौतिक जगत ही है, सरोवर है। और ये शेर कौन है, ये शेर कुछ और नहीं है, माया है, माया जिसे हमें खाना चाहती है। और जिन्होंने रस्सी डाली ना, रस्सी डाली कोई और नहीं है, गुरु हमारे सदगुरु। और जो गाय है वो गाय रूपी है जीव है हम जैसा, जो कि हमें माया खाने की कोशिश करी है तो भी हमें सदगुरु रस्सी डाल के बचा लेते हैं, इसलिए ये सदगुरु का ये सदगुरु इसलिए हमें बनाने चाहिए। ऐसा बहुत लोग होते हैं ना कि हाँ ठीक है हमें सदगुरु बनाना चाहिए, हम सदगुरु बनाएंगे, पर हर किसी के मन में गुरु निष्ठा नहीं होती, गुरु निष्ठा बहुत जरूरी है। एक इसके लिए मैं एक स्टोरी सुना दूंगा आप लोगों को कि गुरु जी की ऊपर विश्वास कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अगर आप लोगों ने गुरु जी बना लिए, माला ले ली, माला टंग रही है कुंदीप है, कोई फायदा नहीं उसका, उसका उल्टा अपराध लगेगा आप लोगों को, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका बल्कि पाप लगेगा। क्योंकि सदगुरु जो माला देते हैं माला के रूप में हमें साक्षात भगवान देते हैं, और जब भगवान को अगर टांग के रख लें तो इसका मतलब भगवान का अपमान है। तो हमें सदगुरु की बात क्यों माननी चाहिए, इसके ऊपर स्टोरी छोटी सुनाता हूँ मैं। एक संत, एक गुरु और एक चेला एक आश्रम में रहते थे, तो जो चेला था ना वो गृहस्थ था,
तो डेली वो अपने घर जाता था और डेली आश्रम में आके सेवा करता था गुरु जी की, आश्रम की झाड़ू पोछा साफ सफाई, गुरु जी के चरण वगैरह दबाने, सब खाना वाना बनाने सेवा करता था। जब चेला डेली आता था ना तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता था उसके लिए, क्योंकि बीच में ना एक बहुत बड़ी नदी थी, तो नदी आप कभी तो पैसे होते थे तो कभी नहीं, कभी तैर के आता था कभी नाव में बैठ के आता था। तो एक दिन क्या हुआ, तो गुरु जी ने उससे बोला कि तुम ऐसा करना आज यहीं पर रुक जाना, रात को लेट जाना, क्योंकि आज हमारे आश्रम में बहुत बड़ा महोत्सव है। तो चेला बोलता है कि गुरु जी ने आज्ञा दी तो ऐसा करना पड़ेगा, वो रुक जाता है। अब जब वहाँ पर रुक जाता है, जब महोत्सव सारा कुछ खत्म हो जाता है ना, तो वो कहता है, तो गुरु जी कहते हैं अपने अभी जाओ तुम घर जाओ। चेला सोचता है मैं आज यहीं सो जाऊँगा, पर गुरु जी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि तुम घर जाओ अपने। तो कहता है गुरु जी मैं घर कैसे जाऊँ, नाव तो बंद हो गई, तैरूँगा तो उसमें भी मगरमच्छ होंगे, रात का समय अगर मुझे कुछ दिखा नहीं मुझे खा जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र लिख के दूंगा कि मुझे हाथ में पकड़ोगे पानी के ऊपर चलने लग जाओगे। तो गुरु जी ने जब उसे एक कागज में लिख के मंत्र दिया और पर्ची बनाकर उसके हाथ में दे दी, कैसे खोलना मत और आराम से निकल जाओ। अब जब वो जा रहा था नदी से पार, तो डर डर के आ रहा कहीं मैं डूब ना जाऊँ, कहीं डूब ना जाऊँ। पर जैसे उसने पैर रखा था देखा नदी के ऊपर चल रहा है वो, तो उसके अंदर बहुत विश्वास बढ़ा गुरु जी के प्रति। तो गुरु जी ने बोलते नदी के ऊपर जाऊँगा, चल लूँगा सही में। अब आगे जाके ना वो पार होने वाला था, पार होने वाला था, इतनी दूर थोड़ी दूर रह गया था पार होने, किनारे पर जाकर उसने सोचा कि ऐसा उसमें क्या लिखा है गुरु जी ने जो पानी के ऊपर जा रहा हूँ। तो उसने खोल के देखा तो उसमें लग रहा था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर से तीन बार हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 और हरे हरे हरे। तो इतने दूर पर उसने पर्ची जब खोली ना, तो देखा मैं तो बस इतना से लिखा हुआ, उसका झट से बिछा टूट गया, बस इतनी सी बात। जब उसने इतना सोचा झट वो पानी में गिर गया, क्योंकि उसका विश्वास खत्म हो गया था। जब गुरु जी ने सिर्फ इतना भी लिखा है झट पा, इस तरह क्या शिक्षा मिलती है। तो गुरु जी जो बोलते हैं ना उसे पूर्ण तरीके से विश्वास करना चाहिए, ये नहीं कि अरे गुरु जी ने माला दिया अरे तो ऐसे नहीं, फिर कभी यहाँ से पार नहीं हो सकते, ये भौतिक जगत में हमेशा फंसे रहोगे। अगर गुरु जी कुछ किसी बात का देते हैं उदाहरण, तो हमें समझना चाहिए कि गुरु जी हमारे क्या चाहते हैं हमसे और क्या करना है हमें, जो गुरु जी बोले हमें वो ही करना है। सुलुवांछा कल गुरु वैसे के पास सिंधु है वैसे पतितना बाद में गुरु वैसे में जी ब्लेसिंग वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कलिकात्यायनी महामाये महाजगी नदीश्वरी नंद गोपसुत देवी पति में कुरुते नमः। देखो ये मंत्र है ना, ये गोपियों ने एक महीना तक इसी मंत्र में माता कात्यायनी को पूजा किया। ये जो मंत्र दो काम करता है, ध्यान से सुनो, अगर ये मंत्र ऐसे के मंत्र है कहते हे कात्यायनी हे महामाये हे महाजोगिनी अधीश्वरी, मतलब हे अघटन घटन पटेयसी, मतलब हे को नहीं नहीं को जो हे कर सकती है, अगर आप हमारे ऊपर में कृपा करते हो नंद के लाला जो कृष्ण कन्या हमारे पति बन गए, अगर इसी पति से इसी मंत्र से अगर पूजा करोगे ना एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं सुनेंगे। लेकिन जिनको ये जगत में शादी नहीं हो रही है किसी लड़कियों की, अगर ये मंत्र से पूजा करेगा तो इस जगत का पति भी मिल जाएगा, क्योंकि जो मंत्र ये कल्प वृक्ष है जो मांगोगे वो फल देगा ये मंत्र। अभी गोपियों ने एक महीना तक इसी मंत्र से उन्होंने कात्यायनी की पूजा की, एकदम सवेरे सवेरे उठ जाती थी और सब गोपियों को बुला करके बड़े सुंदर बेटियों ने कात्यायनी देवी की पूजा करते हुए इसी मंत्र से आह्वान करती थी। भगवान संतुष्ट हो गए, संतुष्ट होकर के भगवान ने इनकी वस्त्र हरण की और स्त्रियों का जो मर्यादा है लज्जा ही इनको भूषण है, लेकिन इन लोगों ने अपना लाज लज्जा सब कुछ त्याग दे करके इन्होंने जब वस्त्र ग्रहण की भगवान बड़े संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के बोले शरद पूर्णिमा में मैं तुम सबके साथ में राज करूंगा। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी
जब ये रासलीला की वर्णना करते हैं, सबको सावधान कर देते हैं। इसका जो पहला श्लोक है, बोले भगवान अभी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंत मनश्चक्रे योग मायानुपाश्रिता। एक अद्भुत एक श्लोक उन्होंने उच्चारण किया। इसका जो पहला शब्द है भगवान, भैया रास रचया कौन, बल जीव नहीं। तो कोई कहता है ना, क्या भगवान के बल रास कर सकते? हम नहीं कर सकते, हम भी रास कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण कितने गोपियों को साथ में रास किया। कहीं कहीं पर आता है 100 करोड़, कहीं कहीं आता है 300 करोड़ गोपियों को साथ में प्रभु रास रचा है। कितने गोपियों की, बोले ये गोपियाँ थी कौन? बोले ये कोई लड़कियाँ नहीं थी, ये पूर्व जन्म में जो वेद का मंत्र है ये कठोर तपस्या थी। जब भगवान संतुष्ट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपको गोपियाँ जैसे आपको आराधना की गोपी भाव से हमको पाना चाहते हैं। कृष्ण बोले नहीं, और कोई चीज़ ना, बोले नहीं हमें यही चीज़ चाहिए। कृष्ण ने कहा तुम लोग द्वापर युग में गोपी बनते थे, तो जो वेद का जो ऋचा है मंत्र ये गोपी है। बोले कृष्ण भगवान राम जब दंडकारण्य में पहुंचे, ऋषि लोग बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे, गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे, लेकिन उनकी उत्साह सिद्धि नहीं हो रही थी। भगवान जब राम पहुंचे, अभी राम को देख कर श्याम किया था, उन्होंने भगवान राम को प्रतिरूप में प्रार्थना की। बोले नहीं, ये अवतार में तो एक सीता सिवाय में किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, तुम लोग सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। इसलिए जो ऋषि मुनि लोग इसे गोपी बन करके आओ हैं। जब भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, बोले गुरु जी थोड़ा जनकपुरी दर्शन कराए। बोले दर्शन करना नहीं, दर्शन दे करके आओ। जब भगवान राम लक्ष्मण जिस गली में जाए, क्या सुंदर जोड़ी, मानो एक साथ में चंद्र सूरज प्रकट हो गए। क्या अद्भुत मतवाल हाथी जैसे, एक श्याम रंग के गौर रंग के, एक पीताम्बर और एक नीलाम्बर, जिस गली में जाए बोले श्री राम लक्ष्मण की। अभी गली गली में और जितने किशोरियां थी ना, कोई घर बसे कोई छत के ऊपर जो दर्शन कर रही थी, जो छत के ऊपर दर्शन कर रही थी उनका दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहा था। क्यों? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हर समय सर को नीचा करके चलते थे, कभी सर को कभी ऊंचा करके उन्होंने चले हैं। इसलिए कभी भी उन्होंने पराई स्त्रियों के ऊपर कभी नजर नहीं डाली भगवान राम। जब भगवान राम सर नीचा करके जा रहे थे, छत के ऊपर में जो किशोरियां खड़ी थी, लेकिन उनकी दर्शन नहीं हो रही थी। इतने में जोर से उन्होंने कहा खांसे तो इतने में पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। बोले लक्ष्मण कौन है? बोले गुरु जी। बोले गुरु जी का क्या काम है? बोले गुरु जी का काम है ये जीव को परमात्मा से मिलाना, ये गुरु जी का काम है। लक्ष्मण जी ने बोले प्रभु देखो आपके जो भक्त है ना, ये छत के ऊपर में सब दर्शन करने के लिए तरस रहे, थोड़ा दर्शन दो, थोड़ा सर को ऊंचा करो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये मायापुरी खबरदार, इधर उधर देखना नहीं, सर नीचा करके चलो। खैर वो खास रही थी। लक्ष्मण बारम्बार जब बोले, अभी गुरु जी जब प्रार्थना करेगा ठाकुर को तो सुनना पड़ेगा ना, इसलिए गुरु जी ग्रहण करनी चाहिए। हम डायरेक्ट प्रभु को प्राप्त कर नहीं सकते, जब गुरु जी हमारी हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे ना, तब ठाकुर जी बात को सुनते हैं। जब बारंबार लक्ष्मण जी बोले, इतने में भगवान राम एक बार जब देखे ना प्रभु को दर्शन करके, जितने सब किशोरियाँ थी सबके सब वहीं पर बेहोश हो गए। जब उनका होश आई सबके सब राम को पीछे पड़ गए, बोले हमसे शादी कर लो, हमसे ब्याह कर लो। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तेरे को मना कर रहा था ना, चलो किससे सब ब्याह कर लो, तो ब्याह कर लो, तो सब शादी कर ले। राम ने कहा देखो रामावतार में एक सीता सिवाय मैं और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। वही लोग सबके सब यहाँ ये गोपी बन करके आती हैं, ये गोपियाँ कोई लड़की नहीं है, ये गोपियाँ कोई लड़की नहीं, ये राधा रानी के काल दिव है। राधा जी की भाव ही वो एक एक मूर्ति रूप धारण करते हुए ये गोपी रूप धारण किए हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे भैया जो रास रचे आए वो जीव नहीं, वो भगवान है। ये भगवान है,
लेकिन हम लोग कहते हैं क्या हम गोपियों के साथ में कृष्ण केवल दूसरे लड़कियों को लेकर नाच सकते हैं, हम क्या नहीं नाच सकते हैं। लेकिन देखो हम लोग ने शादी किए हो, कौन कौन शादी किया हाथ इधर, सबके सब शादी किए हो, सबके सब शादी किए ना। देखो इधर सुनो, ध्यान देखो, जब लड़की अपना ससुर घर में जाती है ना, ध्यान देखो सुनो, जब लड़की अपना ससुर घर में जाती है देखना खूब रोती है। एक समय एक लड़की बहुत रो रही थी, लेकिन उसको रोना बंद ही नहीं हो रहा था, परिवार खूब समझा रहे थे बेटी मत रोया करो, बीच बीच में आ जाना, हम भी बीच बीच में जाएंगे। जब रोना बंद नहीं हो रहा था उसको पति ने कहा, विदाई हो रही थी लड़की ने, पति ने कहा चुप रहो क्यों इतना रो रहे हो। लड़की क्या कहती है, जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा। दूल्हा एक समय किसी घोड़े के ऊपर बैठ कर शादी करके जा रहा था, जिस घोड़े के ऊपर वो दूल्हा बैठा हुआ था वो घोड़ा बारंबार उसको पीछे मोड़ कर देख रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। सामने और एक घोड़ा जा रहा था, बोले भैया आज का डबल हंस रहे हो, आज का डबल हंस रहे हो, क्या चक्कर को आज ही डबल क्यों हंस रहे हो। बोले आज ये मेरे ऊपर घोड़ा बने, मेरे घोड़े ऊपर बैठे ना, ये कल से ये खुद घोड़ा बन रहा है, कल से ये घोड़ा बनने वाली है। इसलिए हम लोगों ने देखे होंगे जीवन में एक पत्नी को संभालना कितने कठिन है, आप लोगों को पता होगा, जो घर गृहस्थी करते हो आपको पता होगा कितने कठिन है एक स्त्री को पालन करना। एक समय एक व्यक्ति का दो पत्नी थी, कितना पत्नी थी, दो। बेचारा दिन भर काम करता है बाहर, सोचता है जब घर में जाऊंगा पत्नी थोड़ी मीठी मीठी बोली बोलेगी, पास में बैठ करके गर्म गर्म रोटी खिलाएगी, हवा करेगी पत्नी को। लेकिन दो पत्नी घर में आई तो रोज महाभारत, रोज घर में महाभारत, कितनी लड़ाई। बोले भैया दिन भर बाहर भी परेशानी घर में भी परेशानी। बोले एक काम करता हूँ, ये दोनों के लिए दो मंजिली मकान बना देता हूँ, दो के लिए दो मकान, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, फिर तो घर में शांति दिख रहेगी। लेकिन जो नीचे रहती थी ना वो पहले से ही रोटी सब्जी बना करके वो दरवाजे के सामने बैठी रहती थी, जब पति आता था जोर जबरदस्ती हाथ पकड़ करके अंदर ले जाती थी। अभी जो ऊपर रहती वो दिन भर परेशान है, ये दिन भर परेशान। एक्चुअली जो ऊपर रहती थी उसने बड़ा दुखी होकर के बोले रोज रोज ये नाटक है, जब ये रोज रोज ये नाटक है। एक दिन उसने नीचे उतर करके आ गई, रोटी सब्जी बनाकर नीचे बैठ गई। जब पति बाहर से काम करके आए ना, बोले रोज रोज नीचे चले जाते, ऊपर बैठ ले जाते, चलो ऊपर में चलो। अभी उसका हाथ पकड़ करके ऊपर वाली ले जा रही थी, अभी जब नीचे थी ना बोले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो रोटी सब्जी बना करके बैठी हूँ। एक तो हाथ पकड़ कर ऊपर खींच रही थी, दूसरे उसको टांग पकड़ कर नीचे कर रही थी। उसी समय में एक चोर ने घर में चोरी करने के लिए आया था, वो चोरी क्या करेगा, वो छोड़ नहीं रही, कोई हाथ नहीं छोड़ रहे ऊपर वाली, नीचे वाली टांग नहीं छोड़ रहे, वो चिल्ला रहेगा छोड़ो छोड़ो, तो वो छोड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं। अभी वो चोर चोरी क्या करेगा, वो तो इसी नाटक देखना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देरी बाद में झगड़ा खत्म हुई, देखा घर में चोर घुसा हुआ, चोर को पकड़ करके पुलिस के पास में ले गए, बोले इसको क्या सजा देनी चाहिए। वो चोर कहता है आप जो कुछ सजा दोगे सजा लेने के लिए तैयार, लेकिन एक सजा मेरे को मत दिया करो, मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए, मेरे घर में दो पत्नी नहीं होनी चाहिए। दो पत्नी को संभालना कितने जो संसार करते होगा आपको पता होगा। लेकिन भगवान कृष्ण कितने गोपियों के साथ में रास कर रहे थे, सौ करोड़ों गोपियों के साथ में रास कर रहे थे। जिस समय एक दिन नारद जी ने सोचा भैया तो घर में एक पत्नी, अगर दो पत्नी हो जाए ना घर में महाभारत। अरे हमने सुना कृष्ण 16108 पटरानियों के साथ में प्रभु लीला कर रहे, इतने पत्नी को संभाल कैसे रहे। एक दिन नारद जी द्वारका में पधारे, सर्वप्रथम उन्होंने रुक्मिणी के घर में प्रवेश की। जब रुक्मिणी के घर में प्रवेश किया देखा प्रभु वहां पर यज्ञ कर रहे थे, रुक्मिणी को साथ में बैठ करके वो यज्ञ कर रहे थे। जब वहां पर श्री नारद जी वहां पर पहुंचे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल दूसरे घर में गए सत्यभामा को घर में जगह बच्चों को लेकर पढ़ा रहे थे ठाकुर जी। जब उन्होंने कालिन जी को घर में गए जगह वहाँ पर चौकट खल गए थे ठाकुर जी। अभी प्रभु जिस नारद जिस घर में गए प्रभु को उन्होंने अलग अलग लीला करते हुए देखा। हर घर में प्रभु अलग अलग रूप में विद्यमान अलग अलग प्रभु लीला कर रहे थे। नारद को देख देखकर चकरा गया है केवल भगवान ही ऐसे एक व्यक्ति अनंत रूप धारण करते हुए सारे भक्तों के उत्साह को ठाकुर जी पूरी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री कहते भगवान ये जीव रासलीला नहीं कहते ठाकुर जी कर रहे हैं ये रासलीला को। इसलिए हमारे श्री एक बहुत बड़े संत हुए कहते जो प्रभु की रासलीला है ना ये काम विजय लीला काम में मुग्ध नहीं हुए काम को अगर विजय प्राप्त कर दिया तो इनको सुंदर स्टोरी सुनाते हैं। बोले एक समय काम देवता बड़ा अभिमान हो गया। ये क्या अभिमान हो गया मैंने संतों में मजा दिखा दिया। शंकर भी जब उन्होंने मोहिनी रूप का दर्शन किया नंगे होकर उसको पीछे शंकर भी घूमते रहे। ब्रह्मा जी अपना बेटी को जन्म दिए अपना बेटी को पर ब्रह्मा पागल हो गए। श्री विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे जिस समय मेनका ने कि चरण की एक नुपुर की झंकार से उनकी सारी तपस्या खत्म हो गई। इंद्र अहल्या के ऊपर आसक्ति हो गई। नारद जी माँ लक्ष्मी को पर आसक्ति हो गई। नारद जी बोले सब तो मैंने मजा चखा दिया लेकिन एक भगवान कृष्ण बांके बिहारी हुए हैं अभी इनके हाथ में दो हाथ नहीं हो पाए। अगर इनके साथ में दो हाथ हो जाए ना फिर तो मैं सारा दुनिया का मालिक बन जाऊंगा।
एक दिन काम जब उन्होंने बांके बिहारी को चुनौती दिया, बोले प्रभु आ जाओ मेरे साथ में दो हाथ कर लो, क्योंकि मैंने सबको परास्त किया, बोले आप बाकी रह गए। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, मैंने द्वापर युग में जब सतकर्म गोपियों को साथ में मैं बंसी वचन में वास करूंगा तभी तुम आना। कामदेव तो हंसते हंसते चले गए, सतकर्म गोपियों को साथ में जब रास करेंगे, और गोपियां कितने सुंदरी अब सोच नहीं सकते, गोपियां इतने सुंदरी गोपियां थी। जिस समय भगवान कृष्णा जी बंसी वट को नीचे कृष्ण आए और आकर के उन्होंने बंसी से उन्होंने सुंदर उन्होंने क्लीन शब्द को उन्होंने निकाले, वो जो क्लीन शब्द है उसमें पांच अक्षर है, देखना हर मंत्र को पहले क्लीन अक्षर है, क ल ई चंद्र बिंदु, मतलब ये विश्व ब्रह्मांड पांच तत्व से बना हुआ, मतलब ये क्लीन अक्षर के अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। क मतलब कृष्णा, ल मतलब राधा रानी, ई मतलब इनका मिलन, चंद्र बिंदु मतलब इनके आनंद है। लेकिन उन्होंने तो क्लीन शब्दों को उच्चारण की, लेकिन ये राधा रानी सुन रही थी, वो बंसरी से केवल राधे 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 शब्द निकल रहा, ललिता सुन रही थी केवल ललिता ललिता शब्द निकल रहा है, विशाखा सुन रही थी बंसरी से केवल विशाखा मेरे नाम, कोई गोपियाँ श्रृंगार कर रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, किसी बच्चे को कोई दूध पिला रही थी, लेकिन जब भगवान की बंसरी की शब्द सुनी, सब लोगों ने जहाँ जो काम कर रही थी वहीं लग करके कृष्ण के प्रति दौड़ करे, जब दौड़ करे इतने में कुछ गोपियाँ तो घर से निकल गई, लेकिन कुछ निकल नहीं पाई, कुछ को उनको पतियों ने रोक लिया, बोले खबरदार अगर घर से बाहर निकलोगे ना टांग तोड़ दूंगा। अभी यहाँ प्रश्न है भैया निकले कौन नहीं निकले कौन, बोले वही वही निकल गई जिनकी पति के शरीर को साथ में देने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन निकल नहीं पाई कौन, बोले जिनकी पति के शरीर को साथ में देने का संबंध था, क्योंकि ये शरीर हो गया अपवित्र, ये अपवित्र शरीर प्रभु सेवा की योग्य नहीं, इसलिए जोग माया उनको निकल में नहीं थी। लेकिन जिनको रोग दिया ना, इन लोगों ने कृष्ण विरह में ऐसे व्याकुल हो गई, ऐसे व्याकुल हो गई, बोले हे श्याम सुंदर, हे पद्मलोचन, हे बांके बिहारी, क्या आज हम आपकी दिव्य रासलीला में आज क्या हम विहार नहीं कर सकते हैं। जब उन्हें हृदय से उन्हें पुकारे, इनका गुणमय शरीर तक यहीं पर रह गया, लेकिन वो आत्मा शरीर से सबके सब रास में पहुंच गए। जब पहुंच गए इतने भगवान इनको स्वागत करते हैं, बोले स्वागत में महाभागा, भगवान केवल ये स्वागत शब्द दो जगह पर प्रयोग किया है, एक तो ब्रज गोपियों के पास में और एक श्री मथुरा के, जो जब कृष्णा गोचाना करने गए थे मथुरा से जो दिव्य पत्नियां आई थी, भगवान इनको स्वागत शब्द प्रयोग किए। बोले स्वागत क्यों बोले, बोले जिन लोगों ने घर का सारी समस्या को जितने सारे प्रतिबंध को जो छोड़ करके मेरे पास में आते हैं वो महाभागा, जगत में सबसे ज्यादा सौभाग्यवती हुए हैं, इसलिए भगवान उनको महाभागा बोल करके ठाकुर जी उनको स्वागत करते हैं। भगवान इनको ठाकुर फोटिल भी किए, बोले देखो तुम पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का ये धर्म नहीं रात का बीच में घर छोड़ करके आना, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं, पति भले ही लंगड़े लूढ़े निकम्मा क्यों नहीं हो, पत्नी का कर्तव्य है अपना पति को परमात्मा मानते तो सेवा करें। देखो ठाकुर जी कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं, ठाकुर जी कहते हैं देखो स्त्रियों को कभी भी घर से रात को नहीं निकलनी चाहिए, पहले कोई स्त्रियां घर से बाहर निकलती थी रात को, बताओ कोई निकलती थी, लेकिन अभी ये धीरे धीरे ये पश्चिम देश का सभ्यता आकर के ना शाम हो गई, बेटी उधर जा रहा है, बेटा इधर जा रहे हैं, पत्नी इधर जा रही है, कौन किधर जा रहे हैं, तो जिस जहाँ पर ज़्यादा शहर है ना वहीं पर इतना ही गड़बड़ी है, वहीं पर उतना गड़बड़ी, किसको पता नहीं कौन किधर जा रहे हैं, किसको पता नहीं। भगवान मना करते हैं, देखो स्त्रियों के लिए शास्त्र में बताया कि जब ये बच्ची हो ना तब ये पिता माता के अधीन रहे, जब बड़े हो जाए तब जब जाए अकेले नहीं जाए, ठाकुर जी मना करते, शास्त्र मना करता है अपना पति को साथ ले जाए, जब वृद्ध हो जाए अपना बेटे को साथ ले जाए,
उदाहरण दिया स्त्री जाति कैसे, जैसे आटा को गोंद करके अगर किसी घर की कोने में रखा ना तो ना वो चूहा खा जाएगा। अगर आटा को अगर गोंद करके छत के ऊपर रख लोगे ना कौआ खा जाएगा। कौआ खा जाएगी, कौआ खा जाएगी। इसलिए बताए कभी भी स्त्रियों को स्वतंत्रता हमारे शास्त्र में कहीं नहीं दी। तभी अभी तक इसलिए दुनिया अच्छे चल रहा था कि जो क्राइम हो रहा है ना, क्राइम मतलब जो लूटपाट चोरी करें, ये 10% हुए हैं और 90% जो अवैध जो संबंध रहते हैं और जो डाइवोर्स को लेकर के 90% लोगों ने बताया 90% इसी विषय को लेकर के ये क्राइम हो रहा है। इसलिए पहले हमारे जो संस्कृति थी लड़कियाँ थोड़ी सी मिट्टी पेड़ी हो जाए घर में रख लेते थे, और पढ़ने का जरूरत नहीं। बहुत पढ़ाई हो गई, गीता रामायण थोड़ा पढ़ लो, हिसाब थोड़ा लगा लो, घर में रहो और घर का काम काज हो तो संभालो, घर का काम काज हो संभालो। पहले यही हुआ करता था ना, यही होता था ना। इसलिए कभी डाइवोर्स शब्द कभी सुने हो, कभी हमारे शास्त्र में डाइवोर्स कभी है नहीं। लेकिन अभी भारत में भी 30% अभी डाइवोर्स हो रहा है और इसी चीज को लेकर ज़्यादा क्राइम हो रहा है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं, खबरदार। मैंने पहले बताया था ना, जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा जब काट कर गए सीता माँ को, बोले खबरदार ये कभी लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करना। लेकिन सीता जी लक्ष्मण रेखा को पार किया तो क्या हुआ, रावण उठा करके ले गया। कौन उठा करके ले गया, रावण उठा करके ले गया। शिक्षा देते हैं कभी भी हमें अपना मर्यादा रेखे को हमें पार नहीं करनी चाहिए। पहले एक रावण था, अभी घर घर में रावण हो गए। अभी रावण कहाँ हो गए, घर घर में रावण हो गए। इसलिए आज भगवान कृष्ण ये गोपियों को कहते, देखो तुम पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का धर्म ये नहीं अब अर्ध रात्रि के कहीं चले जाने की धर्म नहीं, घर में वापस जाओ। घर में वापस जाकर क्या करो, अपना पति की सेवा करो, अपना पति की सेवा करो। भगवान कुसुम की शिक्षा ठाकुर जी देते हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान ने उनको समझाए, गोपियों ने कहा प्रभु जी आप तो हमें इतने सुंदर सुंदर उपदेश दिए हो, लेकिन शास्त्र में बताया प्रथम अंतु गुरु पूज्यम ततः चैव ममासन। आप तो जगत गुरु कृष्ण तथा तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, बोले आप तो जगत गुरु हो। जब आप गुरु हो जगत गुरु प्रभु प्रभु, इसलिए जब आप जगत गुरु हो पहला कर्तव्य है प्रथम अंतु गुरु पूज्यम, सबसे पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण गए तो फिर हमें पूजा करनी चाहिए, तुम दूसरा इसलिए पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए फिर भगवान की पूजा। आप तो जगत गुरु जगन्नाथ तुम हो, इसलिए पहले तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। और गीता में आपने क्या बताया, अभी तो गीता में बताया ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, आप तो बताए समस्त धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। अहम स्वाम सर्व पापे को मुक्त स्वामि, मैं तुम्हें सारे पाप से तेरे को मैं मुक्त दिला दूंगा। आप ही तो भगवत गीता में ये बात बताई ना, बोले हाँ, बोले अपने बंसी बजाया मन को हरण किया है, मन को हरण करके लाए, अब कह रहे हो फिर वापस चल जाओ। जब ये बात बताई भगवान खुश हो गए, फिर भगवान ने इनको साथ में भगवान जिस पर रास रचा है, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। जब उन्हें रास कर रहे थे अभी केवल राधा रानी ये देख रहे थे कृष्ण सब गोपियों को साथ में और कृष्ण मेरे साथ में, लेकिन एक गोपियाँ क्या देख रही थी कृष्ण केवल हमारे साथ में। जो एक आंख में काजल लगा करके आई थी ना कृष्ण उसको दूसरे आंख में लगा, जो आधा वस्त्र पहन करके आई थी कृष्ण उसको पूरा वस्त्र पहना दिया, जो कान की गले की हार को कमर में कमर के कर्धन की गले में पहने थे ठाकुर जी एकदम सही सही श्रृंगार कर दी। शिक्षा देते हैं अगर हमें कोई सुंदर रूप में श्रृंगार करा सकते हैं ना, तो ठाकुर ही हमें श्रृंगार कर सकते हैं। हाँ ठाकुर जी,
अभी गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत आया, अरे राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर तो हम पूर्ण नहीं। कृष्ण जी ने देखा भैया गड़बड़ हो गई, रास्ते स्वरूप श्री राधा रानी वही तो मुख्य है, ये गोपियां अभी तक राधा रानी को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, इसलिए अभी इनकी अभिमान को दूर करना पड़ेगा, इनके अभिमान को दूर करना पड़ेगा और राधा रानी की मान को मनाना पड़ेगा। इतने में कृष्ण बीच से कृष्ण अंतर ध्यान हो गई, जब अंतर ध्यान होकर थोड़ी दूर गए जा करके कृष्ण एक श्यामा सती का रूप धारण कर लिया, करके बोले देखो चलो हम दो होकर के कृष्ण को ढूंढने जाएंगे। लेकिन बांके बिहारी ने किया गया एक श्यामा सती रूप धारण की और राधा रानी का हाथ पकड़ लिया, पकड़ करके उनको एक कुंज में ले गए और सुंदर सुंदर फूलों की माला से राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार की। और इधर जो ब्रज गोपियां थी कृष्ण विरह में उनके पेड़ पौधा लता पता हिरण सबको पूछ रही थी, हमारी श्याम सुंदर कहीं देख रहे हो, लेकिन कोई भी तो बोल ही नहीं रहे थे। इतने में पृथ्वी को बोले हे पृथ्वी तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, तुम तो जानती होगी ना कृष्ण कहाँ गए। जब उन्होंने पृथ्वी को ऊपर में देखे कितना सुंदर कृष्ण के सुंदर सुंदर पहले सुंदर उसको देख करके बोले देखो कृष्ण इधर गए हैं, चलो और थोड़ी आगे और तब थोड़ी जब दूर गए ना देखा कृष्ण के दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी प्यारी किसी किशोर जी की चरण थी। मैं हाँ देखो उसमें तीन तरह का गोपियाँ थी, कितने तरह का गोपियाँ तीन तरह के, एक स्वपक्ष एक विपक्ष और एक तटस्थ, ये तीनों समझो। स्वपक्ष मतलब होता है जो राधा रानी के पक्ष में रहने वाली, राधा जी की चरण की सेवा करने वाली, विपक्ष मतलब होता है जो केवल कृष्ण को भक्ति करने वाली, कृष्ण की चरण से राधा जी की नहीं, तटस्थ मतलब होता है जो राधा रानी को भी प्रेम करती है और जो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं, दोनों को जो प्रेम करते हैं। अभी जो राधा रानी को जो प्रेम करने वाली जो सखी है चरण सेवा, अभी जो बीच में चरण चिन्ह है उधर राधा जी की चरण चिन्ह थी, लेकिन वो लोग पहचान गई पर हमारे किशोर जी के चरण चिन्ह है। अब ये सुखदेव गोस्वामी ये कौन है, बोले राधा रानी की ये प्रिय सुख है। अभी राधा जी की चरण चिन्ह देख रही ना इतने खुश हो गई, देखो यद्यपि यहाँ पर सब गोपियां तो थी लेकिन कृष्ण अकेले किसको लेकर गए हैं, बोले केवल राधा रानी को लेकर गए, मतलब है सभी गोपियों में जो सर्वश्रेष्ठ कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की, अरे जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण भगवान राज नंदिनी की, जय जय श्री राधे। भाई बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन और थोड़ी दूर गई ना देखा बीच का चरण चिन्ह है नहीं, तीसरी कहती तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, देखो कृष्ण का चरण थोड़ा दबा हुआ, बोले मतलब क्या, बोले जो कृष्ण उनको गोद में उठाने लेकर गई, ऐसे करते करते जा रही थी कृष्ण तो राधा रानी को कुंज में बैठा करके श्रृंगार कर रहे थे, गोपियों की हाई हल्ला सुन करके इतने में कृष्ण बोले देखो राधे चलो हम यहाँ से जल्दी चले जाते हैं, क्यों अगर गोपियाँ देख लिया मैं केवल तुम्हें अकेला लेकर के आया ना फिर ये महान करके बैठेगी, फिर ये महाराज नहीं हो पाएगी। राधा रानी ने सोचा मैंने जो काम किया गलत किया, मैंने जैसे कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग की, ये गोपियां तो मेरे काय दियो है ना, ये भी तो कृष्ण विरह में सब कुछ त्याग दिए और केवल मैं कृष्ण को ला करके आनंद ले रही हूँ और मेरे जो प्रकाश स्वरूप दुखी हो रहे हैं। अभी राधा रानी सोच रही है अगर मैं और थोड़ी मान कर लूँ ना कृष्ण थोड़ी सी मेरे को मनाने लग जाए, हो सकता है गोपियां आ जाएगी सब मिल करके फिर महाराज करेंगे। राधा रानी बोली मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे मेरे को उठा करके ले आए थे ना ऐसे उठा करके ले जाओ, बोले क्या मेरे कंधे पर बैठोगे, बोले बैठा लो, बस बैठने के लिए गई ना कृष्ण वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहीं पर श्री राधा रानी हाँ कृष्ण करते करते वहीं ध्यस्त हो गए। गोपियाँ आकर के राधा रानी की होश दिलवाए, बोले देखो कृष्ण को ज़्यादा ढूंढ मत क्योंकि कृष्ण छुपने के लिए कोशिश करेंगे करते होगा, चलो हम कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण कीर्तन कृष्ण का सबसे प्यारा है। तब उन्होंने यमुना किनारा में बैठ करके ये यमुना कौन है ये दिशा का सकती है, ये कृष्ण रंग में रंगी हुई है अनुराधा है, जब तक इन्हीं की कृपा नहीं होगी ना तब तक श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे। इसलिए गोपियों ने यमुना किनारा में बैठ करके जो गीत गाए उसका नाम कहते गोपी गीत,
ये गोपी गीत में इतने शक्ति है, अगर कहीं भी ये गोपी गीत गाओ ना, भगवान रह ही नहीं सकते हैं, वो घर में जरूर आएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करना, अब इधर उधर की कभी कभी हम पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी घर में गोपी गीत को पाठ करो। पाठ करेगा तो स्वयं बांके बिहारी और राधा रानी के साथ में जरूर आपके घर में ठाकुर जी पधारेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी गोपी गीत का हम दो श्लोक सुना देते हैं, ठीक है। बोले जयती जन्मना ब्रज प्रयास और भगवान को प्रश्न करते हैं। बोले कृष्णा, जगत में तीन तरह के लोग होते हैं। पहला नंबर लोग है प्रेम करने पर जो प्रेम करते हैं, दूसरे तरह का होते हैं प्रेम करो नहीं करो तभी करते हैं, तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं करो नहीं करो जिसका किसको साथ में कोई मतलब नहीं। बताओ तो इन तीनों में तुम कौन हो? गोपिया कृष्ण को बताना चाह रहे थे। कृष्ण ने कहा देखो गोपिया, जो प्रेम करने पर जो प्रेम करते हैं कर्म। जैसे 100 रुपया लेकर दुकान में गए, 100 रुपया दिया, 100 रुपये का माल मिल गया, वहाँ पर कोई प्रेम प्रेम का भी मतलब नहीं। जितना पैसा दिया उतना के माल मिल गया, बस खत्म हो गया। तो दूसरा नंबर है करे नहीं करे तभी करते हैं। कभी ये कौन गलत पिता माता, ये कौन है? कौन है ये पिता माता? देखो पिता माता का जो हृदय है ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं। भले ही बेटा जितना नालायक क्यों नहीं हो जाए, लेकिन पिता माता क्या सोचते हैं? ये मेरे लाला है, ये मेरे बेटे हैं। इसलिए पिता माता की जो हृदय है ना, समझना बड़ा कठिन है। देखो ध्यान देखो सुनो, तो एक समय एक प्रेमिका एक प्रेमिका था। प्रेमिका ने अपना प्रेमिकों को बताया, देख तेरे को कभी मैं प्रेम करूंगी अगर तुम अपना माँ को मार करके उसका हृदय अगर लेकर के मेरे को दोगे, फिर जा करके मैं तेरे को प्रेम करूँगी। वो तो प्रेमिका की प्रेम में पागल था, वो पागल होकर गई, अपना माँ को ही मार डाला। और उसको दीन को लेकर के वो आ रहा था, आते समय हठात उसने ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब गिर पड़ा मैया की जो दीन लेकर के आ रहा था, वो दीन से आवाज आ रहा है, अरे बेटा कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? बेटा कहीं तेरे को कोई कष्ट नहीं पहुंच रहा है? किससे आवाज आ रही है? माँ की हृदय की दीन से आवाज आ रही है। मतलब है माँ की जो प्रेम है ना, कभी हम इसको रीवी तो कभी चुका नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं घर में शादी हो गई, घर में एक बहू आ गई, बस उसकी बात सुन करके पिता माता को हंस निकाल, उनकी सेवा नहीं कर, कभी नहीं करनी चाहिए। देखो और एक स्टोरी बनाती है। एक समय एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई, अब तो पता होगा नई शादी हो तो कैसे होता है, वो लगती है पहले चंद्रमुखी है, तो चंद्रमुखी एक नई नई शादी हुई। शादी हुई तो अभी सास ससुर में बनी नहीं, जो बनी नहीं इतने में उसकी पत्नी कहती है उसको पति को, बोले देख तेरे साथ में मैं नहीं रह सकता, तेरे पिता माता को साथ में मैं नहीं रह सकता हूँ,
इनको अलग करो नहीं तो मैं अपना सिंहर जा रही हूँ। इतने में उसने घर बार छोड़ सिंहर चली गई। ये सिंहर चली गई, बेटा ने अपना माँ को पास में बोले, माँ ये बताओ जब से तुमने जन्म दे करके अभी तक तुमने पालन की, कितना पैसा तुम्हारी हो रही है बताओ। ये पैसा तुम्हें हम दे देते हैं, हम दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं और उसका पैसा हम तुमको दे देते हैं, कितना पैसा तुमने हमारे पीछे लगाया। इतने में उसने कहा, देखो अभी तो मैं अनपढ़ हूँ, अभी हिसाब लगाने के लिए तो थोड़ी दिन लगाया। बोले कोई बात नहीं, एक महीना देगा, एक महीना में तो हिसाब करके बता दे कितना। और उसको पत्नी को बोल दिया, कोई बात नहीं एक महीना नहीं दो महीना में लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तू अलग हो गया ना मैं तभी आ जाऊंगी घर में, मैं तो घर में नहीं आऊंगी। अभी ठंडी का समय था, बेटा सो रहा था, मैया ने एक लोटे पानी लेकर के उसने किया किया, बेटा जो सो रहा था ना एक तरफ में पानी को डाल दिया, जब डाल दिया इतने में उठ गई ना, नीचे सो रहा था ठंडी का समय था, एक लोटा पानी डाला तो उसने करवट लगा दिया, फिर दूसरे तरफ में सो लिया। इतने में उसने किया क्या, थोड़ी देरी बाद में फिर दूसरे तरफ में एक लोटा पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो उसने फिर दूसरे तरफ में पास के तो सो दिया, थोड़ी देरी बाद में फिर दूसरे तरफ में डाल दिया। इतने में उसको आँख खुल गई, क्यों था ठंडी का समय, आँख खुल गया तो देखा भैया, बोले क्या कर रहे हैं तू, मैं सो रहा हूँ तेरे को दिख नहीं रहा हूँ, अब ठंडी का समय में पानी डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो पानी को। जब बड़ी जोर से मैया को डांट लगाया ना, देखो मैया क्या कहती, बोले बेटा तुमने बताया था ना जब से जन्म लिया अभी तक तुमने क्या क्या किए हो उसका हिसाब लगाओ, मैं केवल एक रात का मैं हिसाब लगा रहा हूँ। कितना हिसाब लगा रहा हूँ, केवल एक रात का मैं तुमको हिसाब लगा रहा हूँ। जब तू छोटा बच्चा था, किस किस की बच्चे घर में देखना, बच्चा जब होता है कभी टाटी पेशाब कर देता है, टाटी पेशाब कर देता है। मैया क्या करती है, दिल्ली में मैया सोती है और बेटे को सुखा में सुला देती है। आप लोग ने बच्चे को पालने किए होंगे, कभी कभी बच्चा रात भर रोता है, रात भर बच्चा रोता है, पिता माता को सोने नहीं देता है, रात भर मैया, आप लोगों ने देखा होगा रात भर मैया बिना सोए पिए मुंह की खाना निकाल करके बच्चे को खिलाती है। आप लोगों ने बच्चों को पालने किए हो, कौन कौन बच्चे जन्म दिए हो, कौन कौन बच्चे जन्म दिए हो, सबके सब बच्चे जन्म दिए ना। बोले बेटा मैं एक रात का हिसाब लगा रहा था, तुमने तो बताया जन्म से लेकर अभी तक तुमने जो किया उसका हिसाब को, तू एक रात का हिसाब को तो लगा ले, हाँ लगने नहीं दे रहे हो। जब ये बात बताया ना उसका बुद्धि ठिकना पर आ गई, उसका बुद्धि ठिकना पर आ गई। इतने में उसने मैया की चरण पकड़ लिए, बोले मैया मैं आज समझ रहा हूँ हैं, इसलिए मेरी अपराध हो गया, अपराध माफ कर दो, कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, इसलिए माँ की जो रीढ़ी है ना हम कभी नहीं उतार सकते। इसलिए ऐसे नहीं घर में बहू आ गई, बहू की बात सुन करके पिता माता को अलग कर दो, नहीं कभी नहीं करनी चाहिए। देखो एक दिन हम जो जैसे व्यवहार करता ना उसको कैसे फलन देता, एक दिन हमें भी सास ससुर बनेंगे। अगर हम सास ससुर की सेवा करेंगे, बच्चे देखेंगे कि हम कैसे सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, तो बच्चे भी तो हमारी ऐसी सेवा करेंगे। अगर हम स्वयं सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे फिर हमारी जो बहू बनने वाली फिर वो हमारी सेवा करेगी कैसे। और एक चीज समझो, जितने सास बैठी हुई है हम लोग बुरा मत मानना, सास का एक नाम सास है, सास मतलब जानते हो जो बहू को श्वास लेने नहीं दी, जो बहू को श्वास लेने नहीं दे वो सास उसको कहती है। लेकिन ये चीज को समझो, सास अगर अपने आप को माँ माने ना, बहू को अपना अगर बेटी मान ले फिर तो झगड़ा ही नहीं, झगड़ा है नहीं। लेकिन अगर बहू को बहू माने फिर तो झगड़ा है। अगर बहुएं अगर अपना सास को सास नहीं माने, क्या माने माँ, क्या माने माँ माने, फिर तो लड़ाई घर में है ही नहीं, घर में लड़ाई नहीं। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं घर में कोई बहू आ जाए ना पराया समझ लेते हैं, अपना बेटी को जितने करते सास के लिए उतना नहीं करते हैं, इतना बहू के लिए इतना नहीं करते, बेटी के लिए जितना करते हैं। अगर बहू के लिए करोगे तभी तो बहू तुम्हें इज्जत देगी, ये चीज को भी समझो। इसलिए बहू को बहू रूप में नहीं, बहू को अपना बेटी रूप में देखो। जितने बहू हैं अपना अपना को माँ सास को सास रूप में नहीं उसको अपना माँ रूप में देखोगे ना, बस राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो,
और घर में गीता और रामायण है ना, बस वही तो भगवान का था, वही श्री अयोध्या। वही क्या है अयोध्या, अयोध्या मतलब क्या, जहाँ पर कभी झुक नहीं होता है, अवध मतलब जहाँ पर कभी दर्द नहीं होता है, तो लड़ाई लड़नी है नहीं। इसलिए ये चीज़ फिर सांस को करना पड़ेगा, तभी तो घर बन सकती है, ठीक है ना। ब्लसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, बोले देखो ये जो पिता माता करे नहीं करे तभी करते हैं, ये कौन है ये पिता माता, चौथे नंबर कौन है, करे नहीं करे तभी कोई मतलब नहीं। देखो चार तरह का व्यक्ति होते हैं, आत्मा राम आपका काम गुरु ग्रह अकर्तव्य। बोले कृष्ण तू आत्मा राम आपका काम है नहीं, लगता है तू गुरु ग्रह अकर्तव्य, क्यों गोपिया तुम्हारी प्रेम के गुरु, राधा ने तुम्हारी प्रेम के गुरु है। अर्धर आपने तुमने बुलाया बंसरी बजा करके और उस कहाँ बीच रात में छोड़कर तू चला गया हमें। इतने में कृष्ण बोले देखो गोपियाँ मेरे को ऐसे मत समझो, कहते प्रेम की दो पहली है, एक मिलन और एक विरह है। लेकिन मिलन में क्या होता है, वो सामने सामने मिलते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है, देखना जैसे घर में पति है, हाँ जब इच्छा मिल जाएंगे, लेकिन पति अगर दूर देश में रहता है ना, पत्नी सोचती रहती है कब आएंगे कब आएंगे, अभी तक फोन नहीं आया कब आएंगे कब आएंगे, हर समय चिंता करते रहती है। इसलिए ये गोपियाँ तुम्हारी हृदय में जो मेरी प्रति प्रेम थी, वो प्रेम को मैं दुनिया को दिखाना चाहता था, तुम्हारी हृदय में मेरी प्रति दिखो प्रेम क्या है, मैंने छोड़ा तभी तो तुम लोगों ने ये गोपी गीत गाए ना, तभी तो तुम्हारी विरह पता चला कितने मेरी प्रति तुम्हारी प्रेम, मेरे को तुम ऐसे मत समझा करो। फिर भगवान उनके साथ में दिव्यवास करते हैं, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, सारे देवता आकाश में आकर के वाद्य यंत्र बजाते हैं, और कितने में श्री भोले बाबा भी श्री गोपीश्वर महादेव रूप में शंकर भी प्रभु की रास दर्शन करने के लिए आए। लेकिन कृष्ण ने कहा भैया आज रास में आनंद नहीं आ रहा है, देखा एक गोपी ईशान कोण में बैठे हैं। गोपियों ने बोले भैया तुम्हारे खसम का नाम क्या है, तेरे सास का नाम क्या है, तेरे ननद का नाम क्या है, तेरे पति का नाम क्या, लेकिन वो तो गोपी नहीं वो गोप शंकर जी। इतने में गोपियों ने उनको पकड़ करके निकाले, इतने में शंकर जी जो माया को पुकारे, इतने में कृष्ण आ गए। बोले भोले तुम क्या करने के लिए आए, बोले प्रभु तेरी बंसी ध्वनि सुन करके मेरे अंदर में इच्छा हुई तेरी रात दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा देखो शंकर जी आप ऊपर में तो गोपी रूप धारण किए हो, लेकिन हृदय में तुम्हारी गोपी भाव नहीं। शंकर जैसे व्यक्ति सत्यम शिवम सुंदर, वो भी प्रभु की रास में प्रवेश नहीं कर पाए, प्रवेश की दूर बात छोड़ दो, शंकर दर्शन तक भी नहीं कर पाए प्रभु की रास में, इतने दिखो ये लीला ने। भगवान ने कहा भोले बाबा आज से आपके वृंदावन में गोपीश्वर सिंह रूप में आपकी पूजा होगी, आप यहाँ के क्षेत्रपाल और चौकीदार का काम करो। अभी अगर कभी वृंदावन जाओगे देखोगे श्री शंकर जी के शिवलिंग का स्वरूप है, शाम को जाओगे ना वहाँ पर देखोगे शंकर जी को रोज गोपी रूप में ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। शंकर जैसे व्यक्ति भी गोपी भाव के लिए तरसते हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति गोपी भाव के लिए प्रार्थना करते हैं, हैं नारद स्वयं कितने तपस्या किए गोपी भाव आए। इसलिए हम लोग जो भजन कर रहे हैं ना ये गोपियों की भावना को पाने के लिए हम भी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि जो गोपी भाव ये उद्भव वस्तु है, ये साधारण कोई स्त्रियाँ नहीं। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार है सौरा सुर I'm
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री रास रचैया भगवान की श्री गोपेश्वर महादेव की जय जय श्री राधे हरे कृष्णा। हमारे बीच में कुछ भक्त लोग हैं, आपको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे, फिर लास्ट में हम कथा को फिर बताएंगे, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सञ्चिन्तयत् भगवत् चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुह लाञ्छनाद्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसक्तचक्रवाल ज्योत्स्नाभिरामः दधिर्हृदयान्धकार। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद का दूं पूज्य भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में कोटिश वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियाँ जिनकी सराहना जिनके सौभाग्य की सराहना आप स्वयं चतुरानंद ब्रह्मा भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा सत्सौभाग्य कथा श्रवण का सत्सौभाग्य स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक में भी दुर्लभ है। आप सभी को मैं कोटिश वंदन करता हूँ। देखो ये दक्षा बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ मिठाई बढ़ाई नहीं किया, अपना मिठाई बढ़ाई किया है,
इसको साथ साथ में भक्ति भी पढ़ाई किया है। देखो तुमने क्या लिखाई पढ़ाई किया हो बोलो तो। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी है, वो भी हरियाणा कृषि कॉलेज की से। आज के ताली बजाओगे। हम चाहते हैं आपका बच्चे भी ऐसे बने, आपकी बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करे। और कल दो बच्चे तो कथा बोल रहे थे ना, वो भी बड़े अच्छे बिगड़ बड़े अच्छे नौकरी अच्छे, इनकी संख्या भी अच्छी है, लेकिन ऐसे नहीं ज़्यादा लिखा पढ़ा हो गया तो पिता माता ने भूल गए। अभी उसने अपना दादा की इतने सेवा की जो सोच नहीं सकते, उनका चार चार पाँच पाँच बच्चे थे, लेकिन उसने अपना दादा की अंतिम समय तक इसने अपना हाथों से काटी पेशाब ही साफ करता था। बच्चा काटी पेशाब साफ करता था, बहुत पता कभी कभी इतने मल त्याग करते थे, रात दो दो तीन तीन बाजे में सोता था, और उनकी अपना हाथों से उनकी मल की मूत्र की अपना हाथों से मैंने सेवा की, और सेवा करके उनके अंतिम संस्कार करके वो यहाँ पर आया है। अगर गुरुजन की अगर हम सेवा करते हैं ना, अगर उनके आशीर्वाद मिले तो फिर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप भी भजन करो और अपना बच्चों को अंदर में अच्छी संस्कार, अपना बच्चे को अंदर में जो अच्छी संस्कार बना। एक कल वो प्रभु जी बता रहे थे ना, तुम्हारे बच्चे भजन कब करेंगे, कब करेंगे, जब खुद आप करोगे। पहला गुरु का पिता होता है ना, जब आप माला जप करोगे तभी तो बच्चा माला जप करेगा ना, जब आप गीता रामायण पढ़ेंगे तभी तो बच्चे करेंगे ना, अपने आप सीख जाएंगे, कभी नहीं सीख सकते। इसलिए पहले खुद करो, उसके बाद में फिर बच्चों के अंदर में अच्छी संस्कार पड़ेगा। हम चाहते हैं इसलिए ये बच्चों को हम खड़े करते हैं, आपकी अंदर में कुछ भावना आए, आपकी अंदर में कुछ भावना आए, तभी भावना आएगी तो तभी बच्चों के अंदर में आप संस्कार डालोगे। इसलिए ये बच्चों को हम बीच बीच में कहते भैया तुम भी थोड़ी बोलो, उनको थोड़ा शिक्षा मिले, हम भी स्वयं भजन करें और अपना बच्चों के अंदर में भी संस्कार डालेंगे। भक्त वांछा कल्पत रूप तड़ित विनिंदित पीताम्बर हरि श्री बाल कृष्ण लाल की वंदना प्रतिमूर्ति शरद भागवत। आज हम लोगों का सत सौभाग्य है कि आज श्री भगवान की दिव्य कथा हम संत के श्री गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। देखिए तिलक और कंठी की महिमा आपको महाराज जी ने भी बताई है, पर मेरे सद्गुरुदेव पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ है कि मैं भी आपको उसके दिव्य फलश्रुति का कुछ बोध करा दूं। देखिए हम लोगों को ये तुलसी साधारण नहीं है, ये साक्षात कल्याणी है। रास पंचाध्याय में स्वयं गोपियां कह रही हैं ये बात, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वालय कुलय विभ्रत दृष्टः केन प्रियच्युता। रास पंचाध्याय में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए उसके बाद का प्रसंग है, अंतर हिते भगवते सहसे ब्रजांगना, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए उसके बाद कहा गोपियों ने, हे तुलसी कल्याणी आप कल्याणकारी हैं, कल्याण करता है, आप साधारण नहीं हैं, साक्षात भगवान के चरणारविंदों में जिनका प्रस्फुटन होता है, जिनका अर्पण होता है, वे हैं ये तुलसी। देखो तुलसी की महिमा अपार है, स्नान के समय यदि तुलसी कंठ में है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नानम् भवनिधितेन न संशयः। स्नान के समय यदि कंठ में तुलसी है और ऊपर से जल गिरता है और जल जब तुलसी को छूकर के पूरे शरीर पर पड़ता है तो भारतवर्ष की पवित्र नदियों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह है तुलसी की महिमा। जिसके गले में तुलसी नहीं है, यत कंठे पद्म पुराण का श्लोक है, यत कंठे तुलसी नास्ति ते नराह मूढ़ मानसाह श्रुणोति विश्राम समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिसके कंठ में तुलसी नहीं है उसके द्वारा छुआ हुआ जल मदिरा के तुल्य है, उसके द्वारा छुआ हुआ अन्न स्वान विष्ठा के समान है, जिसको आज हम लोग आज की भाषा में कुत्ते की पॉटी बोलते हैं। ये है तुलसी की महिमा। साक्षात भगवान का खुद वचन है, जिसके गले में तुलसी होगी
मंत्रहीनं क्रियाहीनं यत्कंठे तुलसी प्रविष्टः, जो मंत्रहीन होगा क्रियाहीन होगा पर उसके बाद भी यदि तुलसी कंठ में है, आप लोग मंत्रहीन है, श्री भगवान के सामने खड़े हो जाए, मंत्रहीन है, मंत्र नहीं आता और क्रियाहीन है, पूजा की पद्धति भी नहीं आती, तो भी भगवान का वचन है मम प्रिया भूतो भवति, वो मुझे उतना ही प्रिय है जितना परम ज्ञानी भगवान की दिव्य अर्चा करता है। ये है तुलसी की महिमा। और तिलक की महिमा पार है। देखो जो वैष्णवों का तिलक होता है, जो वैष्णवों का तिलक, दो प्रकार के तिलक होते हैं, एक ऊर्ध्वपुंड एक त्रिपुंड। त्रिपुंड होता है वो अन्य संप्रदाय है, लेकिन वैष्णवों का जो तिलक है उसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर से खिंचा हुआ। ऊर्ध्वपुंड का अर्थ क्या है? ऊर्ध्वं नयति यत् पुण्ड्रं प्राणिनं पापकारिणं तस्यात् ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजा। पापी से पापी व्यक्ति को भी जब अंत में उसकी गति होती है तो यदि मस्तक पर तिलक है तो वो भगवान का वचन है मम लोके महीयते, मेरे धाम को जाएगा वो, अन्य उसकी कोई गति नहीं होगी। ये ऊर्ध्वपुंड है। ऊर्ध्वं नयति यत् पुण्ड्रं प्राणिनं पापकारिणं तस्यात् ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजा। ऊर्ध्वपुण्ड्रो धर्योर् मृत्योर्, पद्मपुराण, ऊर्ध्वपुण्ड्रो धर्योर् मृत्योर् स्मृयते यत्र कुत्रचित् स्वपाको अपि विमानस्थं मम लोके महीयते। भगवान का वचन है यदि कोई अचानक से किसी की कहीं भी मृत्यु हो जाती है, चलते फिरते, आजकल हम लोग सुन ही रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन्स में, न्यूज चैनल्स में और बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग सुन ही रहे हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति चलते चलते रोड पे उसका हार्ट अटैक हो जाता है, कोई कैसे भी चला जाता है, तो मृत्यु का कोई समय नहीं है, ना समय मृत्यार्थः, मृत्यु का कोई समय नहीं है, जब उसका समय आ जावे तब वो चला जावे। लेकिन यदि मस्तक पर तिलक है तो भगवान का वचन है विमानस्थम मम लोके महीयते, उसको स्वयं में अपने विमान में बिठा करके मेरे धाम लेकर के जाऊंगा। ये है तिलक की महिमा। सबते भक्तमाल, सबते बड़ी तिलक अरुमाला, सबते बड़ी तिलक अरुमाला, सदा सहाय रहे गोपाला, सदा सहाय रहे गोपाला, डूब साटी जो संत ही मारे ताको चक्र सुदर्शन जारे, ताको चक्र सुदर्शन जारे। जैसे कोई नई नवेली बहू है, वो अपने ग्राहक अपने घर से बाहर जाती है और अपने मस्तक पर बिंदी को सुशोभित करती है, मांग में सिंदूर को आपोलित करती है और जब चलती है तो सामने कामी व्यक्ति खड़ा होता है, मान लो रास्ते में उसकी प्रदीति हो जावे और वो देखे तो जैसे उसकी नजर बिंदी पे पड़ती है, जैसे उसकी नजर उसके मांग में पड़े हुए सिंदूर पे पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये किसी की परिणीता है, इन्होंने किसी का पाणी ग्रहण स्वीकार किया है, इनका पाणी ग्रह पहले से ही सुनिश्चित होकर के संभव संभूति से संभ्रम से इत्यादि समस्त कार्यों से समस्त क्रियाओं से हो चुका है तो उसकी दृष्टि नहीं पड़ती है। ऐसे ही जब कोई वैष्णव चलता है और उसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड सुशोभित होता है, गले में कंठी सुशोभित होती है तो सामने गंदी माया और वासना भी सोचती है कि इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये श्री गोविंद का है, क्योंकि ये स्वयं श्री रघुपुंगव का है, स्वयं ये श्री यदुपुंगव का है। इसलिए और जब भक्ति युक्त हो जावे व्यक्ति चिन्हों से आपोलित होकर के तो प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर
प्रभु को नियम बदलते देखा अपनो मान भले टल जाए पर भक्त को मान ना टलते देखा। प्रहलाद जी ध्रुव जी भगवान श्री अम्बरीश जी कामध्वज जी ये सभी तुलसी से युक्त थे, सभी तिलक से युक्त थे। तिलक और तुलसी की महिमा अपार है, उसको धारण करने से साक्षात श्री गोविंद आपकी सुरक्षा में प्रस्तुत हो जावेंगे, भगवान भक्ति प्रदान कर देवेंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप अवश्य तिलक तुलसी धारण कीजिए। आप समस्त श्री गुरुवर से तुलसी अपने कंठ में विराजमान कराइए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आपके बार बार कल्याण की मंगल कामना करता हुआ श्रीपाद महाराज जी के चरणारविंदों में अपना मस्तक रखता हुआ प्रणाम करता हूँ। श्री राधा माधव जयति जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हाँ बताओ प्रभु जी ने इतने सुंदर सुंदर आपकी कथा सुनाए, आज से कौन तुलसी कंठे में धारण करेंगे? बोलो बोलो कौन कंठे में तुलसी धारण करेगा? कोई हाथ नहीं धारण करते, सब पहना ले। कौन धारण करेगा? हाँ, और तिलक कौन लगाएगा? देखो हमारी बात छोड़ दो, भगवान राम का भी कहीं मूर्ति देखो, ठाकुर जी को देखो तिलक लगाएंगे। कहीं बांके बिहारी को देखो, कहीं भी फटो देखो, बांके बिहारी भी लगाएंगे। कहीं नारायण को देखो, वो भी तिलक लगाएंगे। हनुमान जी को देखो, तिलक है कि नहीं? गणेश जी को देखो, तिलक है। कोई भी देवता देखो, ठाकुर तिलक लगाते हैं। जैसे कि हम अच्छे किसी काम में जा रहे हैं, बिजनेस में, हमको तिलक लगा कर भेजते हैं। क्यों? जाओ तुम्हारी विजय प्राप्त हो, तुम्हारी विजय हो। और हम लोग जो तिलक लगाते नहीं, गोपियों की चरण धूली, ये नारद जी ये ब्रज से ये चरण धूली ब्रजवासियों को लेकर द्वारका लेकर गए और ठाकुर जी को वहाँ स्नान कराया गया। ये जो तिलक है ना, जो रंग देख रहे हो, मिट्टी कहीं नहीं मिलेगा पृथ्वी में, केवल द्वारका से मिट्टी आती है, हैं? ये मिट्टी आती है द्वारका से, इसकी बड़ी पवित्रता, बड़ी पवित्रता। देखो आपको मैं एक सही घटना सुना रहा हूँ। ये नोएडा में हमारी एक भक्त है, वो उसकी एक छोटी लड़की थी जिसका उम्र थी दो साल की लड़की थी। वो हमारी शिष्या है, उसका माता, वो भी तिलक लगाई, उसका बच्चे को भी तिलक लगाई थी। वो रहती थी चार मंजिल में। इतने में जो छोटी बच्ची वो शरीर में तिलक लगाई थी, वो बालकन में जब झांक करके देख रही थी, अचानक कहीं से वो गिर पड़ी। कितने मंजिल से गिरी? चार मंजिल से गिरी। लेकिन उसके शरीर में तिलक लगा हुआ था, लेकिन जब वो गिरी उसको कुछ भी नहीं हुआ। चार मंजिल ऊपर से अगर छोटी दो साल की कोई गई, बताओ तो क्या होगा? तुम चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन उसको कुछ नहीं हुई। क्यों? उसको शरीर में तिलक था, उसके शरीर में तिलक था। इतने महिमा ये पद्म पुराण में बताया है। अगर कोई व्यक्ति एक विष्णु मंदिर को स्थापन करते, भगवान विष्णु मंदिर को स्थापन करते, बोले उसका पुण्य कितना है? कितना पुण्य? बोले आगे की 21 पीढ़ी और पीछे के 21 पीढ़ी, उनको जो लोग है पितृलोक और वैकुंठ गमन करते हैं। केवल एक विष्णु मंदिर अगर स्थापन करें, ये जो तिलक है ना, ये भगवान की मंदिर है। हम शरीर में रोज 12 मंदिर 12 तिलक लगाते हैं। यहाँ पर सारा शरीर में तिलक लगाते, 12 जगह पर तिलक नहीं लगाना, एक एक भगवान की मंदिर को स्थापन करना। अगर दिन में अगर 12 मंदिर को स्थापन किया, आप कितने पूर्वों के लोगों का गति नहीं होगी, कितने पूर्वों के लोगों का कल्याण नहीं होगी। तिलक इतने महिमा, पहले हर हिंदू लोग तिलक लगाते थे, हर हिंदू पहले तिलक लगाते थे, लेकिन ये पश्चिम का सभ्यता आकर के धीरे धीरे हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। एक हिंदू कब कहलाएंगे? जब हम अपना हिंदू धर्म जागरण करेंगे। हिंदू धर्म क्या है? तिलक, कंठी, माला, चोटी, ये सब के सब हमारे हिंदू धर्म है। तभी हम अपना को हिंदू कहला सकते हैं, जब चोटी हमारी हो, गले में कंठी हो, तिलक हो, तभी हम हिंदू कहलाएंगे। तो हिंदू नहीं फिर हम क्या हो गए? हिंदू नहीं तो और फिर भी हम कुछ होंगे, फिर और कुछ होएंगे हम सब, बोलो क्या होएंगे? इसलिए अगर हम अपने आप में हिंदू कहते हैं, ये चीज को जरूर आप लोग धारण करो। इसलिए जितनी भी इच्छा होगी, हम कंठी धारण करेंगे, तिलक धारण करेंगे, ठाकुर की माला जप करेंगे। आज सवेरे कुछ भक्त लोग आए थे, परसों भी आए थे, कल यहाँ पर यज्ञ होगी। पिछले यज्ञ से पहले अगर 8-9 बजे तक
मैं तो बाबा को घर पर रहता हूँ, अगर कोई आएगा तो कंठी और तिलक लेकर के आना, हर माला लेकर के आओ, भजन करो और जीवन में सुखी रहना। हर कल यहाँ पर यज्ञ होगी, तो जो यज्ञ है नरसिंह कवच का यज्ञ है और नारायण कवच, नारायण कवच क्या है, जैसे इंद्र के ऊपर जो बड़ी हल्की छोटी आई उसको अभिशाप लगा था इंद्र को, लेकिन किसी तरह से उसको उद्धार नहीं हो रहा था इंद्र, वो पानी को अंदर में कितने दिन तक कमलनाथ में छुप कर रहा, लेकिन उससे मुक्ति का मिली जब उन्होंने नारायण कवच कर, ये नारायण कवच में कल आहुति देंगे हम लोग। नरसिंह भगवान जैसे प्रहलाद को कर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन प्रहलाद महाराज को नृसिंह देव ने रक्षा की है, इसलिए कल ये नृसिंह कवच को द्वारा हम आहुति दिया जाएगा। इसलिए कल सबके सब घर से थोड़ी सी घी, थोड़ी सी हवन सामग्री, कोई गोला जो ला सकते हो ला करके हवन में आहुति देना। कल हम लोग यहाँ पर ठीक 9 बजे यज्ञ को शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरी नोएडा में भी कल से और एक प्रोग्राम है, हमको जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग टाइम से आ जाना और यज्ञ करके फिर हम लोग फिर नोएडा चले जाएंगे। हमारे बीच में श्री नवीन प्रभु जी, हमारी जो प्रभु जी ये इनकी गैस एजेंट्स का काम है, ये बड़ौदा में भी और मेरठ में भी दो जगह में इनका काम है। प्रभु जी ये हमारे बड़ौदा एक जगह है, वहाँ पर प्रभु जी बहुत प्रचार किए, आप सोच नहीं सकते, इन्होंने अपना ये हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य हैं, इतने लोगों को उन्होंने भक्ति में जोड़े, इतने लोगों को उन्होंने भक्ति में जोड़े, कभी बड़ौदा आने का भाग्य कभी होगा, कोई भक्त लोग आए होंगे, घर घर में उन्होंने हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार की, घर घर में, और हमारे बड़े गुरु जी की कृपा पात्र है, बढ़ेगा, घर में जुआ कोई नहीं खेलेंगे, बच्चे संस्कारी बनेंगे, भजन करेंगे, फिर आपका हर घर घर, हम चाहते हैं हापुर हर घर घर श्री वृंदावन धाम हो जाए, हर घर घर में हरि कीर्तन हो, आपका बच्चे भी सबके सब भक्ति करे और पिता माता की सेवा करे, हम यही चाहते हैं। कौन कौन चाहते हो, केवल हाथ उठाने से नहीं होता, केवल हाथ उठा दिया इतना से काम नहीं चलेगा, आपको भक्ति करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, सभी बच्चे भी भक्ति करेंगे। प्रभु जी अज्ञान से मेरा दस ज्ञानंजन छलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णोपादाय राधिकायाभ्यासिनं श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्ते नारायण गोस्वामिनः नामिनः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रतिष्ठित ओम विष्णु भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए वृंदावन से आए सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड है और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम करता। आज हमारा सौभाग्य है महाराज जी के दर्शन हमें मिल रहे हैं और सुंदर कथा सुनने को मिल रही है, ये इस सौभाग्य को हम समझ नहीं पाते और आप लोग तो महासौभाग्यशाली हैं, हर वर्ष यहाँ पर कथा हो रही है, महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात पितृ पक्ष पर ये कथा हो रही है, हमारे सभी पितरों का उद्धार हो जाएगा यदि पितृ पक्ष में भगवान का नाम लिया जाए, भगवान की सुंदर कथाओं को श्रवण किया जाए, तो यदि हमारे पितर नरक में भी होते हैं तो वहां पर भी नृत्यंती मतलब नाचने लगते हैं कि अब हमारे वंश के पुत्र या पुत्रियां सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, निश्चित तौर से हमारा उद्धार होगा। देखिए कर्म कांड और शुद्ध भक्ति में अंतर है। कर्म कांड क्या है, जितनी भी हमारी कामनाएं वासनाएं जो भी हमें अभिलषित फल है प्राप्त करने हेतु हमें कर्मकांड की व्यवस्था दी हुई है, हम क्या करते हैं कुछ भी वस्तु प्राप्त करने हेतु यदि हम भगवान या देवताओं से कुछ मांगते हैं और उनकी पूजा में लगते हैं तो वह कर्मकांड में व्यवस्था दी हुई है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से बताया कि ये सब कहता हूं कहता बोलते कपटता, हम लोग अपने आप को छल रहे हैं,
हम बार बार जन्म बार बार मरण के इस भव सागर में पड़ करके सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। और इतनी बार हमारा जन्म हो चुका है, इतनी बार हमने काम वासनाएं इन सबको भोगा हुआ है, लेकिन तो भी बार बार ये वासनाएं हमारी निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। और हर जन्म में हम अपनी कामनाओं और वासनाओं को भोगने के लिए यहाँ पर लग जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कल्याण की वस्तु को प्राप्त करने हेतु भक्ति योग का अवलंबन करना चाहिए। और ये जो शुद्ध धारा भक्ति योग की है, इसे हमें जितना जल्दी हो सके इसे एकदम से ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी महाराज जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि इसको जितना तीव्र गति से इसको आप ग्रहण कर सकते हैं वह अच्छा। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, जो व्यक्ति अभी 7 दिन पश्चात जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसके लिए क्या कल्याण के लिए उपयुक्त साधन है, और समस्त जीवों के लिए क्या कल्याण हेतु क्या साधन बनता है। तो गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं कि इतना बढ़िया प्रश्न तुमने किया है, इस प्रश्न को जितने भी आध्यात्मिक प्रगति में लगे हुए साधु हैं वह बड़े ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि इस प्रश्न से सुंदर उत्तर जो श्रीमद् भागवतम है यह प्रकट होगी और समस्त जीवों का कल्याण होगा। अर्थात भगवान के शुद्ध नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का धाम एकमात्र ये श्रवण हेतु है। अब सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि संसार में हम लोग अनंत काल से जन्म लेकर के यहां पर श्रवण करते हैं संसार की बातें, ग्राम में वार्ता, गांव की बातें, और उससे हमारा अनर्थ ही होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग आत्मा है इसको भूल जाते हैं, और हम शरीर हैं ये मान लेते हैं, और मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं सेठ हूं इत्यादि ऐसी उपाधि को प्राप्त करके हम ऐसे भ्रम में जीते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से 4 दोषों का उल्लेख किया है कि ये जो संसार के लोग हैं हम सब, उनमें ये 4 दोष पाए जाते हैं। क्या क्या है? पहला है भ्रम, दूसरा प्रमाद, तीसरा विपलिप्सा, चौथा कर्णपाटव। ये 4 दोष जो संसार में सभी लोगों में पाए जाते हैं। भ्रम का मतलब होता है कि हम अपने आप की जो अवस्था है, हम शुद्ध आत्मा है, भगवान के शुद्ध अंश, आत्मा को भूल करके, अपने आप को भूल करके इस झूठे भ्रम में कि मैं अमुक व्यक्ति हूं, मेरा ये नाम है, इस संसार की उपाधियों को पकड़ के बैठे, ये सबसे बड़ा भ्रम है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद मतलब हम ऐसे मोह से ग्रसित हैं कि ये परिवार मेरा है, ये कोठी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, और ये जितना भी कार्य इत्यादि संपन्न हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है, मैं यदि नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं होगा। ये मोह जो हमें संसार में धकेल देता है और आगे तक इस भवसागर को तो ऐसा वन बताया है कि इसकी कहीं था नहीं है, और हम सब उसमें भटकते जाते हैं, मरते हैं, सड़ते हैं। तो ये जो प्रमाद है कि मैं और मेरा वाला जो प्रमाद, झूठा मोह में जो हम फंस करके पूरा जीवन खराब कर देते हैं। तीसरा विपलिप्सा। विपलिप्सा मतलब होता है दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति। हम
अपना काम बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरे को ठगते हैं, दूसरे का धन हरण करने के लिए क्या क्या युक्तियां करते हैं। आजकल आप सब देख ही रहे हैं, कितने कॉल आते हैं कि हम इस फलाने बैंक से बोल रहे हैं, आप ओटीपी दीजिए, और पता चला सारे पैसे गायब। तो ये धोखा देने की प्रवृत्ति इस संसारी जीव के अंदर होती है। और चौथा है करना पाटो, मतलब हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हम इन इंद्रियों से एक सीमित वस्तु तक जा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये असीम इंद्रियां नहीं है, ये सीमित है। इस कारण से, इन चारों दोषों के कारण से हम इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। वास्तविकता में आत्मा परम शुद्ध तत्व है, भगवान का अंश है, निर्मल शुद्ध। परंतु बंधता क्या है, हम इस संसार में बंद कैसे जाते हैं? ये मन बंधता है। अगर इस मन को हम नियंत्रण में रखें तो इस भव सागर से छूटा जा सकता है। ये जो चार दोष बताए, ये चार दोष साधुओं में, शुद्ध साधुओं में और भगवान में नहीं होते। इसीलिए इन दोषों को दूर करने के लिए हमें साधुओं का अवलंबन करना पड़ता है। लेकिन आजकल इतने साधु हो गए, पता नहीं चलता कौन सच्चा कौन झूठा, इसको कैसे पता चले। तो हमारी जो प्रवृत्ति अभी संसार में, और कमाओ और ये पाओ और अपनी कामना वासनाओं को पूर्ण करने के लिए धावित हो रहे हैं, उसको रोक करके हमें शुद्ध वैष्णव परंपरा का अवलंबन करने के लिए शास्त्रों को देखना पड़ेगा। शास्त्रों में साधु के सुंदर लक्षण गुण बताए हैं। यदि साधु और शास्त्रों का मत एक है, यदि साधु उस शुद्ध गुरु परंपरा से है जो भगवान से शुरू होकर के अब यहां तक उपस्थित हुई है, तब तो वह है शुद्ध साधु। अन्यथा आजकल इतने साधु हो गए हैं जिन्हें अभी शास्त्रों का ठीक ठीक प्रकार से अर्थ नहीं पता, और वो अपने यश को बढ़ाने के लिए या अपना गोरख धंधा चलाने के लिए साधु बन जाते हैं। तो हमें उनसे सबसे बचना चाहिए। जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि श्रवण, अब श्रवण हम संसार की सारी बातों को करते करते इस संसार से मोह कर लेते हैं, इसमें फंसते चले जाते हैं। तो श्रवण किसका करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए ठाकुर जी का, उनकी सुंदर लीलाओं का, उनके सुंदर रूप का, उनके सुंदर धाम का। तब तो इस संसार से हमारा मोह हटेगा और भगवान के चरणों में आसक्ति प्रेम उत्पन्न होगी। और यदि हमारी, क्योंकि प्रवृत्ति ऐसी है, क्योंकि हृदय में कौन बैठा है? आत्मा। और आत्मा परमात्मा के प्रेम के बिना रह नहीं सकती, अर्थात उसको प्रेम चाहिए ही चाहिए। तो यदि उसे प्रेम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो जीवित रह नहीं सकता, जिस प्रकार से एक मछली बिना जल के नहीं रह सकती। लेकिन संसार में उस शुद्ध प्रेम को भूल करके झूठे प्रेम में आसक्त होती चली जाती है आत्मा। वह प्रेम बच्चों में ढूंढती है, पत्नी में ढूंढती है, पिता माता में ढूंढती है, बंधुओं में ढूंढती है, लेकिन सब जगह धोखा। और सत्य प्रेम, सनातन प्रेम कौन दे सकता है? वो सनातन ठाकुर दे सकते हैं। वह प्रेम का उसको पता नहीं चल पाता और जीवन उसका अंत हो जाता। तो शुद्ध साधु का अवलंबन करके यदि शुद्ध प्रेम को हमें पाना है, क्योंकि प्रेम आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, और उस प्रेम को पाने के लिए यदि हम लालायित नहीं होते, यदि हम उत्साहित नहीं होते, भगवान से ही वह प्राप्त होगा। जितना भी हम संसार में यदि माताओं के प्रेम को जोड़ लें, उन माताओं के प्रेम को एकत्रित करके एक पलड़े में डाल दें, तराजू के एक पलड़े में डाल दें, तो भी भगवान के उस प्रेम के एक छोटे से
बिंदु या कण के बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संसार में ये चार दोष पाने के कारण वह शुद्ध प्रेम यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक हमारी ये चार दोष हमारे हृदय में है तो सबके हृदय में ये जो प्रेम की प्रवृत्ति है वो दूषित हो जाती है। और उस प्रदूषण को हटाने के लिए हमें शुद्ध साधु का अवलंबन करके हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सबके सब बोलो जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। इसमें महामंत्र में भगवान का सुंदर नाम है, यदि हम निरंतर इसका जप करें कीर्तन करें तो निश्चित तौर से इन चारों दोषों से हमारा छुटकारा मिल जाएगा और भगवत प्रेम मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें ध्यान से ये देखना है कि हम जिन संत का अवलंबन करने जा रहे हैं क्या वे शुद्ध गुरु परंपरा में है भी या नहीं। आजकल क्या हो रहा है, बड़े बड़े जागरण होते हैं, भजन संध्या रखी जाती है और बड़े बड़े कथा का आयोजन होता है, उसमें जिस प्रकार से देखा जाए तो भक्ति के लाखों अंग हैं, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने उनको चयन करके 64 अंगों में विभाजित किया और उसमें भी नवदा भक्ति 9 अंगों को और उसको भी छोटा करके 3 बताए, श्रवण कीर्तन और स्मरण। यदि श्रवण ठीक ठीक प्रकार से शुद्ध गुरु परंपरा से हम भगवान की कथाओं को भगवान के सिद्धांतों को उनके तथ्य के बारे में जानेंगे तो निश्चित तौर से हमारे हृदय में प्रेम का बीज उत्पन्न होगा और शुद्ध गुरु जब वो बीज रोपण करेगा तो निश्चित तौर से अंकुरित भी होगा और अंकुरित होने के बाद वो बेल पड़ेगी भी और बेल में पत्ते भी आएंगे फल भी आएंगे और वो बेल छोटी नहीं इस पूरे ब्रह्मांड को भेजती हुई गोलोक धाम तक जाएगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो सबसे पहले श्रवण, यदि श्रवण नहीं किया और सिर्फ दिखाने के लिए, आजकल हो क्या रहा है कि थोड़ा सा कथा सीख ली थोड़े से श्लोक रट लिए और कोई गुरु का अवलंबन नहीं किया या गुरु परंपरा का अवलंबन नहीं किया और सीधा अच्छा वक्ता होने के कारण लोगों को ठगने की प्रवृत्ति है अभी हृदय में, साधुओं में प्रवृत्ति नहीं होती, चार दो साधुओं में नहीं होता, जो शुद्ध साधु होगा उनमें ये चारों दोष नहीं होंगे। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है, जो ढोंगी व्यक्ति अर्थात ढोंग कर रहा है गुरु बनने का, उसके अंदर ये चारों दोष निश्चित तौर से पाए जाएंगे और वो खुद अपने आप को भी ठगता है और पूरे संसार को ठगता है। और वो क्या करेगा, सबको जो है सुंदर सुंदर जो है कथा सुनाने का प्रयास करेगा, उनको ठगेगा। जब तक ठीक ठीक प्रकार से उसने श्रवण ही नहीं किया तो हमारा क्या कल्याण करेगा। अभी क्या होता है, लाखों लाखों रुपए हम लोग भजन संध्या में लगा देते हैं और उसमें इतना बढ़िया तरीके से संगीत बजता है, जो संसारी लोग हैं उन्हें तो आनंद आता है क्योंकि पिक्चरों की धुन में वो भजन गा रहे हैं। अब पिक्चरों की धुन में भजन हो रहा है, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन कल्याण की वस्तु किसी को प्रदान नहीं होती। और वहां पर जो गलती से श्रद्धावान यदि कोई जीव चला गया जिसको भक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति उस भजन संध्या में चला गया तो उसके तो सिर में दर्द हो जाएगा थोड़ी देर में कि यहां हो क्या रहा। कारण यही है, सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं सबसे पहले ठीक प्रकार से सुनना होगा। यदि हमारा श्रवण सही सही प्रकार से बना तो निश्चित तौर से दूसरी सीढ़ी क्या है, कीर्तन। जिस प्रकार से भगवान का कथा भगवान की कीर्ति को गाया जाए, चाहे कथा के माध्यम से चाहे कीर्तन के माध्यम से, तो वह निश्चित तौर से हमारी भक्ति का
पालन पोषण करते हुए अग्रसर होगी। लेकिन होता क्या है, आजकल श्रवण को भी जाने दीजिए, और कहीं कहीं तो ऐसे गुरु महाराज आ गए हैं संसार में, ना श्रवण की जरूरत है ना कीर्तन की जरूरत है, सीधा ध्यान योग, ध्यान में बैठ जाते हैं, अर्थात स्मरण। जब हमारा स्मरण ठीक होगा, श्रवण के बाद कीर्तन बनेगा, कीर्तन के बाद हमारा स्मरण बनेगा, तब जाके हम संसार की वस्तुओं को भूलेंगे और भगवान की लीलाओं में हमेशा निमग्न रहेंगे, और निश्चित तौर से समाधि की स्थिति आ जाएगी। लेकिन अभी हमने श्रवण ठीक ठीक किया नहीं, कीर्तन ठीक ठीक किया नहीं, और सीधा हम आधा घंटा ध्यान लगाते, किस चीज का ध्यान लगाते जब पता ही नहीं। तो इसीलिए कई ऐसे लोग हैं जो सीधा अभी पहली कक्षा में, जिनका एडमिशन नहीं, दूसरी का पता नहीं, और वो सीधा बीए की बातें करते हैं, मैं बीए या पीएचडी कर लूं। तो बीए पीएचडी में यदि एडमिशन हो जाए, जिस बच्चे ने अभी पहली दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा या दसवीं कक्षा नहीं की, तो उसकी क्या गति होगी, निश्चित तौर से वह अनुत्तीर्ण होगा, फेल होगा, और अपने आप को भी ठगेगा, और जितने उसने अनुयायी बनाए हैं सबको नरक में ले जाएगा। तो इसीलिए हमें ध्यान पूर्वक इन बातों का ध्यान पूर्वक हमें स्मरण रखते हुए सुनना चाहिए कि ये गुरु परंपरा शुद्ध है या नहीं। हमारी जो गुरु परंपरा है वह ब्रह्मा जी से, जो भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु ने उनको ज्ञान प्रदान किया, उनको ज्ञान प्रदान भक्ति का किया, संसार की सृष्टि तो उन्होंने की ही भगवान के प्रताप से, भगवान के बल से, लेकिन हृदय में उनको जो भक्ति का ज्ञान प्रदान किया, चतुश्लोकी भागवतम जो प्रदान की, वो भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहले इनको प्रदान की। ब्रह्मा से चल करके नारद जी को आई, नारद जी से ये शुद्ध भक्ति हमारे वेद व्यास जी को, और इस तरीके से करते करते मध्वाचार्य जी हमारे जो प्रथम आचार्य कलयुग में हुए, बोलो मध्वाचार्य जी की जय। और मध्वाचार्य जी तो भीम के अवतार बताए जाते हैं, और यही नहीं, हमारी जो धारा है, गौड़ीय संप्रदाय जो धारा है, ये कोई साधारण धारा नहीं है। अन्य अन्य वैष्णव परंपरा, चार वैष्णव परंपराएं हैं, उनमें से गौड़ीय संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानते हैं हम लोग, वैसे तो सभी श्रेष्ठ हैं, चारों वैष्णव परंपराएं श्रेष्ठ हैं, परंतु इसमें साक्षात राधा कृष्ण का मिलित रूप चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए, बोलो चैतन्य महाप्रभु की। तो इसीलिए आप यहां पर जो वस्तु प्राप्त कर लेंगे वो अन्य जगह पर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें निश्चित तौर से ये सारी बातें ध्यान रखते हुए, शुद्ध साधु का अवलंबन करते हुए हमें हरि भजन करना चाहिए। धन्यवाद। वांछा कल पर कृपा सिंधु का नाम पा नाम लिख कर लाए कहाँ है गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमदे भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी ती नाम बृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवत्सच कृष्ण भक्ति प्रददेवी चक्रवर्तो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद त्रिद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त बृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दशर प्रथम श्री गुरुपाद पद नित्य लीला प्रसन्न जगत गुरु ओम विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत परमहंस सिद्धगंदे स्वामी शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभचरण कमलों में अनंत कोटि संस्थान दंडित प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मध्य शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि संस्थान दंडित प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव रूपों में गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि संस्थान दंडित प्रणाम करता हूँ। मन चाहती वृंदावन साय भक्तगण वैष्णव वैष्णवी मातृमंडली कथा पिता सुश्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायुक्त प्रणाम है और आप सबके भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ।
और आप सबका आशीर्वाद मुझे 5 से 7 मिनट शांति के रूप में मिल जाए। बस महाराज जी का आदेश है कि 5-7 मिनट कुछ कथा बोलूं। जैसे हमारे एक प्रभु जी ने बड़ी सुंदर कथा बोली, दिल्ली से आए हमारे नवीन प्रभु ने आपको बहुत अच्छा एकदम शास्त्रों का दर्शन कराया कि गुरु कौन होता है, साधु कौन होता है, ठग कौन होता है, सारी चीजें आपको मोटा मोटी बता दी। मैं बस आपको 5-7 मिनट में कथा तो क्या बोल पाएंगे, एक ऐसी चीज बताता हूँ जिसकी हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन कर लेते हैं एक गणित के रूप में कि हम लोगों की आयु जो है वो 2 भागों में विभाजित है, एक परमायु एक वास्तविक आयु। परमायु जितनी हमारी है, मतलब कि हमें पता नहीं है कितनी है, पर जितनी भी है परमायु है, और वास्तविक आयु कितनी है। इसका एक छोटा सा हम उदाहरण देख लेते हैं कि कहानी देख लेते हैं, हम सब लोगों को समझ में आएगी क्योंकि मेरी भाषा बहुत आप लोगों से मिलती जुलती होगी। एक व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक किसी गांव में पहुंचा और गांव में पहुंच के उसने उस गांव के अंदर चलने का प्रयास किया। तो गांव के अंदर जब वो चला तो उसको गांव के बिल्कुल बाहर ही शमशान का दर्शन होता है। शमशान घाट जहां पे हम जब शरीर छोड़ जाते तो उस शरीर को बाहर में कर दिया जाता है। तो उसने सोचा कि ये क्या वस्तु है। बहुत पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति गाँव की बहुत सारी चीजों को भूल जाता है। तो वो वहां जाके देखता है कि वो पास में जाके देखता है कि अच्छा यहाँ पे ये कार्य होता है, डेड बॉडीज को यहाँ पे जलाया जाता है। जब उसने वो वहां सारी चीजें देखी, देखते उसने देखा कि वहां पे ना कुछ प्लेट्स लगी हुई हैं और प्लेट्स में व्यक्ति का नाम और उसकी आयु लिखी हुई है कि फलां व्यक्ति है और उसकी इतनी आयु है। आयु कितनी है देख रहा है कि 3 वर्ष। थोड़ा सा और देखा, दूसरी प्लेट पे देखा कि 4 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 2.5 वर्ष। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस गांव में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 10 वर्ष से ऊपर जिया है। आश्चर्य की बात है कि कोई तो ऐसा होगा जिसकी आयु बड़ी होगी, जिसके बच्चे होंगे। तो जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे, हमारी एक परम आयु है ना, अभी तक हम जितनी आयु के हो गए। तो इसके सोचते चलना, मैंने जो पहली बात बोली कि परम आयु और वास्तविक आयु, इस कथा के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर वो गांव के अंदर पहुंचा और गांव के अंदर जाके उसने देखा कि भैया गांव में तो सब कुछ खुशहाल है, सब आनंद में है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। लेकिन उसने जो वहां शमशान घाट पे प्लेट से पड़ा था वो उसको अंदर से कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। तो ऐसा मत क्यों लिखा था कि आयु 2.5 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 3 वर्ष, ये सारी बातें। तो उसने वहां किसी समझदार प्रौढ़ व्यक्ति से पूछा कि महाजन मुझे आप ये बताएं, मैं अभी गांव में आ रहा था तो बाहर शमशान में मैंने जाके देखा तो वहां अमुक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और उसकी आयु लिखी हुई है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ यहाँ बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं जिनकी आयु 60-70-80 वर्ष भी है, लेकिन मैंने वहां देखा एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जाम्पल हरिओम और उसकी आयु 4 वर्ष। तो हरिओम नाम से वो व्यक्ति पहचान गया, हाँ भाई हरिओम जी एक थे। तो उन्होंने बताया, जो भी वो गांव के व्यक्ति रहे होंगे उन्होंने उनको बताया कि देखो जी हम अपने गांव में ना आयु की जो गणना है ना ऐसे करते हैं। कि जी कैसे करते हो आप अपने गांव में आयु की गणना, कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करके भगवान का भजन शुरू करता है और जितने वर्ष करता है उसको ही हम उसकी वास्तविक आयु मानते हैं। समझ में बात आ गई होगी, पकड़ में आ गई होगी। अगर पकड़ के छोड़ दिया तो फिर कैसी पकड़ में आई। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये जो बात अगर पकड़ में आ गई है तो इसको पकड़ के रखना, छोड़ना मत। भगवान की अहेतु की कृपा से किसी साधु का दर्शन होता है और भगवान तो जैसे एकदम कहते ना कि कसम खा के बैठे कि ये हापुर के लोगों का तो मैं कल्याण करके ही रहूंगा। किसी ना किसी तरीके श्रील महाराज जी का यहाँ पादार्पण हो ही जाता है। अभी जैसे 1 महीने तक पहले शायद मुझे सूचना नहीं थी कि यहाँ भागवत होगी, लेकिन पिछले कुछ 15-17 दिन पहले मुझे पता चला कि यहाँ भागवत हो रही है, मुझे बहुत अच्छा है। तो ये भगवान की एक आप लोगों के लिए मार्ग तैयार है। आप लोग ये निश्चय कर लें कि भैया हमारी जो परम आयु है वो तो कितनी है हमें पता नहीं है,
लेकिन हमारी वास्तविक आयु कितनी हो सकती है ये हम आज ही निश्चित कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये सर नो कर सकते हैं ना। तो महाराज जी कल सुबह यज्ञ करके चले जाएंगे नोएडा, महाराज जी का दो दिन का कार्यक्रम है नोएडा में सैटरडे संडे, और हवन करेंगे महाराज जी। तो हवन में जब आप आए और महाराज जी जो जो चीज बता रहे हैं ये लेके आए आप लोगों के पूर्वजों का, जो आज पितृपक्ष में ये कथा हो रही है, बड़ा लाभ होगा उसके पितरों का भी। तो मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ लाएं या ना लाएं, लेकिन एक श्रद्धा का भाव अपने हृदय में लेके आए कि हम श्री महाराज जी के माध्यम से भगवान से जुड़ जाए, उनसे हरिनाम ग्रहण कर लें। ये भाव आप लेके आना कल सुबह और अपनी परम आयु को आज ही निश्चित कर लेना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे को एक शायर की भी एक दो बातें याद आ रही है, वो सुना के विश्राम करता हूँ। महाराज जी कथा बोलेंगे, रुक्मणी विवाह इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबा प्रसंग है, विश्राम दिवस है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक शायर की मुझे एक बात याद आ रही है, आप लोग बड़ा बड़ा उसको ध्यान से सुने और ये बात तो पक्का आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम सब तो संसारी ही हैं और संसार की बातें हमको समझ में आती हैं। शास्त्र की कितनी बातें हम समझ पाए, कथा सात दिन से हो रही है कितना हम समझ पाए, बड़ी आगे लंबी और दूर की बातें हैं, लेकिन ये संसार की बातें ये तो समझ में आ ही जाएगी। एक शायर कहता है कि कपड़ों की आवो ताव दिखाने में रह गया, शब्दों को आप पकड़ते चलना। शायर कहता है कि कपड़ों की आवो ताव दिखाने में रह गया, मैं अपने यार दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। कपड़ों की आवो ताव दिखाने में रह गया, मैं अपने यार दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। अरे माल खजाना लूट के ले गए ये लोग, माल खजाना लूट के ले गए ये लोग, मैं चंद हसीन चेहरों को रिझाने में रह गया। जो वास्तविक माल खजाना है इस संसार में, जो देव दुर्लभ है, भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, वो तो यही लोग लूट रहे हैं। और इनकी कृपा छोटी मोटी हम पे भी हो गई कि जीवन के 15-16 वर्ष इनके पीछे पीछे इनके चरणों को पकड़ने के चक्कर में हाथ में तो नहीं आ रहे, लेकिन ये जब कृपा कर देंगे, ये अपने चरणों को जब हमारे मस्तक पर पधरा देंगे, समझ लेना कि भगवान की पूर्ण कृपा हो गई। तो 15-16 वर्ष इस जीवन के तो निकल गए कि महाराज जी कृपा करें, आज भी गाजियाबाद से चलकर यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आए टू व्हीलर पे। तो मैं सब आप लोगों से यही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि भैया ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर, ये आपका प्रयास दिखता जरूर होगा कि आप भागवत करा रहे हैं, आप टेंट लगा रहे हैं, हजारों लोगों को प्रसाद करा रहे हैं, पर मैं तो ये मानता हूँ ये भगवान की कृपा है आप लोगों के ऊपर। भगवान चाहते हैं कि अब आप ज्यादा दिन यहाँ हापुर में ना रहें, ज्यादा जीवन इस संसार में ना बिताएं, अब जन्म मरण के चक्कर से आप छूट जाएं। तो इसलिए ये साधु यहाँ बार बार आ रहे हैं और आपको भगवान की कथा और भगवान के नाम का स्मरण करा रहे हैं। लक्ष्मीनंदन द्वार हरि की, श्री रूपात पद्मिनी की जय, जय जय श्री राम। देखो इन कथाओं में कुछ कुछ भक्तों ने कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, हम लोग ने हर तरह से मदद किया है, तभी ये कथा पूर्ण रूप में ये सफल हुई है, ये इसमें सफल हुई है। इसलिए ये कथा में सबसे ज्यादा पुण्य की भागीदार कौन है, ध्यान देकर सुना, कथा के सबसे ज्यादा पुण्य भागीदार कौन है, जो कथा श्रवण करने के लिए आए। अगर श्री सुखदेव गोस्वामी हो जाते, अगर श्री परीक्षित नहीं होते है ना, पर ये कथा हो सकती थी बताओ, ये कथा हो सकती थी? नहीं। इसलिए परीक्षित का वजह से ये कथा भागवत कथा हो पाई। इसलिए जिन लोगों ने ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए हो, आपका घर में हर तरह का सुविधा होगा, किसकी घर में फैन की चलते होगी, किसके घर में कूलर चलते होगी, किसके घर में एसी भी चलती होगी, लेकिन आप लोगों ने ये सारे सुख सुविधा को त्याग दे करके यहाँ पर जो ढाई ढाई तीन तीन घंटा बैठे हो, इसलिए जो बैठे हो आप लोग बड़े भाग्यवान हो, हैं? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो सौभाग्य देवता में स्वर्ग लोक में देवता को नहीं मिलता है, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं होता, जो कथा शिव लोक में नहीं, जो कथा वैकुंठ में नहीं, वो कहाँ पर हो रही है? वो कथा श्री हापुर में हो रही है, वो कथा श्री हापुर में हो रही है। इसलिए जो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्य, आप लोग परिचित महाराज हो, इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी आप सबको ऊपर में कृपा करें,
सबको ऊपर में आशीर्वाद ठाकुर जी दे, जैसे आप घर में सुख शांति में रहो और खूब फलते फूलते रहो। इसलिए जितने श्रोता लोग आए ना, आप लोगों के लिए जोर जबरदस्त ताली हो जाए, जोर करके जोर से। और इन्हीं कथाओं में सब लोगों ने कुछ ना कुछ तरह से मदद किया है, हैं? अगर उसमें कोई सलाका की एक काठी अगर उसमें कोई मदद किसी तरह से किया, एक रुपया भी दे दिया, ठाकुर जी सब देख रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आत्रि तबा अनुमति जाए, जो कथा उसमें बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर किसी ने इतनी सी बात बोल दिए, भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात, ये कथा होनी चाहिए। अगर इतनी सी बात अगर कोई बोल देते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो व्यक्ति अगर कभी देवद्रोह क्यों नहीं किया हो, कभी वो विश्वद्रोह क्यों नहीं किया हो, अगर इतनी सी बोल दे कथा होनी चाहिए, उसी समय में ही सारे पाप से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए ये कथा की इतनी महिमा है। इसलिए जैसे हमारे श्री माई की वाले भैया बड़े सुंदर माई की व्यवस्था किया है, अब इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। अरे हमारे श्री जो वृंदावन में से हमारे से भक्त लोग आए हैं, हमारे श्रीदाम प्रभु जी, हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जी, प्रभु आपका नाम क्या है, श्री संजय प्रभु जी बड़े सुंदर भजन गाए ना, इनकी अंगुली के ऊपर में आपको नचा देते हैं, हम तो नचाएंगे आपको, अभी रुक्मिणी का शादी होली होगी, आपको नचाएंगे प्रभु जी, इसलिए आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, इनके लिए जोरदार ताली। और कथा नहीं, यहाँ पर कुछ भक्त लोगों ने, जैसे हमारे नवीन प्रभु जी आए, प्रभु जी बड़े कष्ट, कितने सुंदर कथा।